गुणगान प्रशंसा बखान रहा है, बाकी उनके चरित्र में कपट ही कपट है। ये गोपियों के हृदय में रही हुई जो प्रेमाग्नि है, प्रेम ज्वाला है, उसके चलते वो प्रभु के लिए इस प्रकार का संबोधन कर रही है। गोपियों की भाषा, गोपियों का प्रेम देखकर उद्धव जी धीरे धीरे उनका मन, उनका तन पवित्र होने लगा, प्रेम से आवृत होने लगा, विचार करने लगे कि ये तो कृष्ण के अनुपम स्वरूप, माधुर्य स्वरूप का आस्वादन ले रही हैं, और मैं तो केवल ग्रंथों में, शास्त्रों, वेदों में निराकार, निर्गुण, ध्यान, धारणा, बस इन सभी में लगा हुआ रहा, वास्तविक जीवन का परम फल तो ये गोपीजन प्राप्त कर रही हैं, प्रभु के रूप सौंदर्य माधुर्य का ये आस्वादन कर रही हैं, मैं तो ये सब लाभ से वंचित रहा, ये तो प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की कि ये गोपियों को मुझे दर्शन करवा दिए, और आज ये गोपियों की कृपा से उद्धव जी भी प्रेम से ओतप्रोत हो गए, कहने लगे धन्य है ये ब्रज की गोपीजन, आसाम हो चरण रेणु शाम हम स्या वृंदावने किमपि गुरुमित दोष दीना यादुस्मिदस्वजन मार्य कथं च हित्वा भेदुर मुकुंद पद विनुषित भेव मज्ञान वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पादरेणुम अभिक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनादि भुवन उद्धव जी का ज्ञान चूर चूर हो गया, अभिमान चूर चूर हो गया, और बस कहने लगे कि मुझे तो ये ब्रज की कोई लता पता प्रभु आप बना दें, धन्य है ये नंदराय जी के गांव के गोपीजन, इनकी चरण रज को मैं अपने सिर पर लगाता हूँ। 6 मास ब्रज में उद्धव जी रहे, ठाकुर जी की लीला का श्रवण किया, जहां जहां प्रभु ने लीलाएं करी वह सब स्थान उद्धव जी ने दर्शन किए। उद्धव जी गोपियों से कहने लगे आप धन्य हैं, प्रेम की आप साक्षात मूर्ति हैं, मैं आप गोपियों की शरण में हूं, आए थे कृष्ण कृष्ण करते हुए और गए गोपी गोपी करते हुए। गोपी जन को कहने लगे मुझे विचार ये आता है कि आप सब इतने प्रभु के माधुर्य रस का आनंद ले रही हैं, प्रभु से प्रेम करती हैं, फिर भी आपको छोड़ के प्रभु मथुरा पधारे, और तब गोपी जन कहने लगे अरे उद्धव किसने कह दिया वो मथुरा चले गए, वो तो हमारे पास ही हैं, और ऐसे दर्शन हो गए, एक एक गोपियों में कृष्ण रमण कर रहे हैं, गोपी और कृष्ण एक ही है, हर जगह कृष्ण दिखाई दिए, और तब चरण वंदना करते हुए धन्योस्मि मैं आज धन्य हुआ, प्रभु ब्रज छोड़ के पधारे ही नहीं है, प्रभु तो सदा सर्वदा यही है, वो तो नित्य आनंद। प्रियजनों ये भले कार्यक्रम के आज पूर्णा होती हो रही है, लेकिन हमारे श्री गोपाल प्रभु यहाँ पे विराज रहे हैं, और अब यहाँ गोपाल प्रभु विराज रहे हैं तो नित्य आनंद है, नित्य उत्सव है, नित्य मनोरथ है, प्रभु तो यही है, तो कार्यक्रम की बाकी प्रभु तो यही विराज रहे हैं, कहाँ पर अब तो और आनंद नित्य बढ़ना है। ये कथा को सुन के और हमें आपके स्वरूप में प्रीति बढ़ी, आसक्ति बढ़ी है, एक दिन भी उनके दर्शन के बिना हमारा दिन निकल जाए तो समझ लीजिए हमारा जो हमने जो कथा सुनी वो सार्थक नहीं भाई, बिना दर्शन का एक भी दिन हमारा न जाए तो आप मान लीजिए आपका ये जो कथा सुनना सार्थक हो गया, सार्थक मानियो जो दर्शन बिना आपको एक दिन भी न जाए, अपने आप को महद भाग्यशाली मानिए प्रिय करिए, साक्षात आनंद श्री गोपाल प्रभु यहां विराज रहे हैं, नित्य हमें तो आनंद नित्य उत्सव, पुष्टि मार्ग में नित्य उत्सव है। बड़ा सुंदर ये उद्धव गीत, ये जो भ्रमर गीत से द्वारा उद्धव जी के अंदर रहा हुआ ज्ञान जो था वह प्रेम से ओतप्रोत हो गया। उसके बाद भगवान उद्धव जी के साथ कुब्जा के घर पधारे, उसके मनोरथ पूर्ण किए, और फिर 50वें अध्याय से 10वें स्कंद के उस उत्तरार्ध का प्रारंभ होता है जहाँ पे जरासंध और कालीवन का वर्णन करने में आया। कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास गए, अपने पति के मृत्यु के समाचार दिए, जरासंध ने आक्रमण किया, फिर 18वीं बार कालीवन को लेकर आया, भगवान ने मथुरा नगरी का त्याग किया, मुचकुंद महाराज पर आपने कृपा करी, और फिर आगे प्रभु की द्वारिका लीला का वर्णन किया गया है। वहां द्वारका लीला में प्रभु के गृहस्थाश्रम, प्रभु का प्रथम विवाह श्री रुक्मिणी के साथ हुआ,
उसका वर्णन किया गया एवं साथ ही साथ प्रभु के अन्य कई विवाह हुए, उन विवाहों का वर्णन यहाँ पे उत्तरार्ध में किया गया है। श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी ने प्रभु के ये जो विवाह द्वारका में हुए उन विवाह के अलौकिक आध्यात्मिक भाव भी श्री आचार्य जी ने प्रकट किए हैं। भगवान की जो ये अष्टपटरानी है और जो प्रभु के 16108 जो ब्याह हुए उनके बड़े विशिष्ट भाव, जैसे कालिंदी जी, जामवती जी, सत्यभामा जी, मध्मजीती जी, ये सब श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि ये जो अष्टपटरानी है उनमें से ये जो पांच हैं ये प्रभु की ज्ञान स्वरूपा है, प्रभु की पांच प्रकार की विद्या है। पांच प्रभु के पांच प्रकार की विद्याएं हैं और प्रथम जो तीन रानियां हैं रुक्मणी, सत्यभामा और जामवती, ये भगवान की तीन शक्तियां हैं। एक है प्रभु की प्रजजन शक्ति, दूसरी है प्रकाश शक्ति और तीसरी है पालन शक्ति। भौमासुर के वहां से 16,000 कन्या को लेकर आए, उनके साथ आपने विवाह किया, मूर्दैत्य का उद्धार किया, उन 16,000 कन्याओं के भी भाव अन्य पुराणों में प्राप्त होते हैं। तो ये जो अष्टपटरानी और आठ ये जो प्रभु की रानियां है, आठ बार आपने सहरा धराया और एक नौवीं बार तब सहरा आपने धराया कि जब 16,000 कन्याओं के साथ आपने विवाह किया एक साथ, यानी 9 बार विवाह हुए, 9 बार आपने सहरा का श्रृंगार धारण किया, जिसका हेतु श्री आचार्य चंद बताते हैं कि विवाह यानी वरण, जिस प्रकार से स्त्री वरण करती है, पति का वरण किया, उसी प्रकार से आत्मा का पति कौन, आत्मा तो अजर है, अमर है, तो आत्मा के पति तो सच्चे भगवान श्री कृष्ण है और वही विवाह है। श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि उन वह विवाह उनको प्राप्त करने के लिए जो नवदा भक्ति भागवत में बताई गई है, उन नवदा भक्ति में से कोई एक भक्ति को भी जीव साध ले तो भगवान कहते हैं मैं उस जीव का वरण करता हूं। ये 9 विवाह ये नवदा भक्ति स्वरूप है। गृहस्थाश्रम शिकार करने के बाद भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया, भगवान ने अपने ही अंश से अपने वंश में प्रकट हुए, एक एक रानी के 10 पुत्र उनके विवाह हुए और उनकी संतान और विशाल यादव वंश भगवान ने प्रकट किया। विनाशाय च दुष्कृतां परित्राणाय साधुनां, ये जो भगवान के मुख्य प्रमुख आपके जो वचन है उन वचनों को आपने सार्थक किया। इसके पश्चात दाऊ दादा ब्रज में पधारे, 2 मास वहां पे आप विराजे, ब्रज की यात्रा की, उसका वर्णन करने में आया। फिर भगवान ने पाखंडी पौंड्रक एवं काशीराज का उद्धार किया, उसका वर्णन किया। आगे दाऊ जी महाराज ने द्विविध नामक वानर का उद्धार किया, जामती के पुत्र साम का विवाह दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मणा के साथ हुआ, इन सब प्रसंगों का वर्णन करने में आया। देवर्षि नारद द्वारा भगवान का जो ऐश्वर्य लीला जो है, यानी जो द्वारका में प्रभु इतने रानियों के साथ, पुत्रों के साथ जो आप गृहस्थ आश्रम जो जीवन है वो तो किस प्रकार आप व्यतीत करते हैं, आपकी दिनचर्या कैसी है, वह दर्शन करने के लिए आए, उस लीला का वर्णन करने में आया। यहीं पे आगे प्रभु की श्याम सुंदर की दिनचर्या, यहाँ पे जो द्वारका में आपके रूटीन रहता उसका वर्णन किया गया है। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते, हाथ में प्रक्षालन करते, प्रभु के स्वरूप का ध्यान करते, अपने ही स्वरूप में ध्यान में भी अपने स्वरूप का ही ध्यान धरे, तत्पश्चात माता पिता के चरण का स्पर्श करते, वंदन करते, ये आपका नियम है। फिर आगे वहीं पे दशम स्कंध में राजसु यज्ञ का वर्णन किया गया, जरासंध का भगवान ने उद्धार करवाया, उस लीला का वर्णन किया गया और प्रभु की आज्ञा अनुसार राजसु यज्ञ संपन्न हुआ। संतों के चरण वंदना, जूठी पातर उठाना, वह सेवा आपने स्वीकार की। आगे यही दशम स्कंध में सुदामा जी का चरित्र, उसका वर्णन करने में आया है 2 अध्यायों में। बड़ा सुंदर ये श्री सुदामा जी का चरित्र है।
और ये जो चरित्र बड़ी प्रचलित कथा है, आप सब उससे परिचित हैं, उसका जो आध्यात्मिक जो भाव है, उस प्रसंग को जो हम देखें कि सुदामा का अर्थ है भगवत प्रेम से, भगवत प्रेम में अच्छी प्रकार से बंधा हुआ समर्पित मन जिसका है वो सुदामा। सुशीला शब्द का अर्थ है शिलाचरण संपन्न बुद्धि, जो उनकी पत्नी है वो सुशीला। देखिए कहने का भाव यह है कि यदि हम मन एवं बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार कर ले, तभी हमारा सुदामा की तरह कल्याण हो पाएगा। जैसे भगवान ने सुदामा जी का ऊपर कृपा करी, उनके पास जो कुछ था सर्व वस्तु समर्पित किया और प्रभु भगवान ने उनको अगाध संपत्ति दे दी। लेकिन केवल संपत्ति नहीं, सबसे बड़ी चीज जो भगवान ने उनको दी, इतनी संपत्ति होते हुए भी वैराग्य रहा। घर में रहना वो पाप नहीं है, घर को मन में रखना पाप है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं नौका पानी पर रहे तो ठीक है, लेकिन नौका में जब पानी आ जाए, पानी पे जब तक नौका तैरे तो ठीक है, लेकिन नौका में पानी आ गया तो वो नौका डूब जाएगी। यानी घर में रहने पाप नहीं है, लेकिन घर को मन में, मन उसी का चिंतन करते रहे, दिक्कत वहां पे है। तो ये भगवत कृपा से ही वैराग्य आ सकता है। तो सुदामा जी को इतना संपन्न संपत्ति आदि मिला, फिर भी वो सावधानी होकर जीवन यापन करने लगे। आगे सूर्य ग्रहण की लीला का वर्णन किया गया है। प्रियजनों, बड़े विशिष्ट प्रसंग है यही सूर्य ग्रहण के प्रसंग पर। आर्यावर्त की समस्त प्रजा वहां पे सम्मिलित हुई थी, बड़ा सूर्य ग्रहण था, और वहीं पे ब्रह्म सरोवर पे सबने दानादि किए, स्नान किया। वहीं पे नंद यशोदा जी आए हैं कृष्ण के साथ, नंद यशोदा जी का वहीं पे कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ, उसका वर्णन करने में आया है। और अष्टपटरानी और द्रौपदी का संवाद भी है कि भगवान का विवाह उनके साथ कैसे हुआ, इन सब विषयों का वर्णन यहाँ पे सूर्य ग्रहण की कथा में किया गया है। आगे दशम स्कंध के अंतिम 6 अध्यायों में भगवान के षड गुणों का क्रमशः व्याख्या की गई है, इसलिए श्री महाप्रभु जी ने इसे गुण प्रकरण कहा था। षड भी विराज देव सौ पंच भावे, इन 6 अध्यायों में क्रमशः ईश्वर तत्व के एक एक गुण वर्णन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में किया गया है। सुभद्रा हरण का जो प्रसंग आता है, वेद की स्तुति है, भृगु ऋषि द्वारा 3 देवों का पूजन, इन सब विषयों का वर्णन, इन सब लीलाओं का वर्णन, और जिसके द्वारा भगवान के जो षट गुण हैं, उन षट गुणों का वर्णन यहाँ पे इन 6 अध्यायों में किया गया है। और भृगु जी के द्वारा 3 देवों की जो पूजा अर्चना करने में आई, और उसमें यज्ञ में सर्वोत्तम देव श्री विष्णु है, इस भाव का उन्होंने प्रतिपादन किया। तो इन सब विषयों का यहाँ विषयों के साथ ही दशम स्कंध को आइए प्रियजनों, हम विराम देते हुए, विश्राम देते हुए एकादश स्कंध में प्रवेश करें। शिवपाल लाल प्यारे की शिवल्लभा मुक्ति लीला। यहां इस स्कंध में मुक्ति लीला का वर्णन, मुक्ति के प्रकारों का वर्णन किया गया। अलग अलग प्रकार की मुक्ति बताई गई, 2 उसमें विशिष्ट हैं। एक है जीव मुक्ति प्रकरण और दूसरा है ब्रह्म मुक्ति प्रकरण। और ये 2 प्रकरणों के अंतर्गत 4 प्रकार की मुक्तियों का निरूपण किया गया है। कई कई शास्त्रों में 4 प्रकार की मुक्ति दिखाई देती है, कहीं कहीं 5 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन है। श्रीमद् भागवत में 5 प्रकार की मुक्ति, यानी कि सालोक्य, साष्टीय, सामिप्य, सारूप्य और सायुज्य, इन 5 प्रकार की मुक्ति को स्वीकार किया गया। भगवान के नित्य चिन्मय धाम में रहना, इसको सालोक की मुक्ति कहा जाता है। भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त कर लेना, उसे साष्टी मुक्ति कहते हैं।
भगवान के समीप रहना, समीपता उसे सामिप्य मुक्ति कहा जाता है, और भगवान के समान रूप प्राप्त कर लेना उसको सारूप्य मुक्ति कहते हैं, और भगवान में मिल जाना उसको सायुज्य मुक्ति कहा जाता है। यहां एकादश स्कंद में श्री आचार्य जी समझा रहे हैं कि संकर्षण व्यू का कार्य बताया गया है। जब भगवान ने यदुवंशियों का संहार करने का निश्चय किया, उस समय द्वारिका में रहने वाले विश्वामित्र आसीत कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, नारद, ये जो सब महात्मा वहां द्वारका नगरी से विदा हुए, और सभी ऋषिगण द्वारका के पास जो स्थित पिंडारक तीर्थ है वहां जा पहुंचे। पिंडारक और तीर्थ में सब बड़े बड़े संत वहां पे इकट्ठे हुए सत्संग के लिए, और एक दिन की बात है, यदु कुमारों उन ऋषियों की मस्करी करने के लिए सांब को स्त्री, गर्भवती स्त्री का रूप धारण करवाया और मुंह आगे मुंह ढक दिया जिससे उसकी मूछें दिखाई न दें, और ऋषि कुमारों के पास, ऋषि जनों के पास आकर पूछने लगे कि ये स्त्री बड़ी गर्भरा, पूछने में इसको बड़ा संकोच है कि इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री, कृपा करके आप बताइए। अब वो ऋषि तो सब जानते ही थे कि ये मस्करी करने के लिए यहाँ पे आए हैं, उनको क्रोध आया, श्राप दिया कि ये सांब के गर्भ से तुम्हारे कुल का नाश करने वाला मुशल पैदा होगा। सब भगवत इच्छा से ये सब कार्य हो रहे हैं। ये तो कुमार घबराए, उग्रसेन को आकर सारी घटना सुनाई, उग्रसेन ने भी उनको टूका, और फिर वह मुशल को कहा कि ऐसा करो, इसका इसको घिसवा दो, इसका चूर्ण बनाओ और फिर समुद्र में फेंक दिया जाए। अब वह मुसल को घिसवाया गया, उसका चूर्ण बनाया, कुछ हिस्सा रह गया समुद्र में डाल दिया, लहरों की नौका, लहरों से वह जो पदार्थ था वह बाहर किनारे पे आ गया, और एरका नाम की इस तेज धारदार वनस्पति उसमें से प्रकट हुई, और जो एक टुकड़ा बच गया था वो मछली उसको निगल गई, और जरा नाम का धीवर जब मछलियों को पकड़ने गया, जाल में वो मछली आ गई, मछली के जब दो हिस्से किए तो उसमें से वो मुशल का टुकड़ा निकला जिससे उसने तीर बनाया। अरे इस प्रकार से सब ये भगवत लीला योजना पूर्वक ठाकुर जी अपनी ये लीला क्रम को आगे बढ़ा रहे। धीरे धीरे समय निकलने लगा, द्वारका में अनिष्टताएं बढ़ने लगी, नारद जी प्रभु के दर्शन करने के लिए द्वारका आए, वहीं वसुदेव जी के साथ उनका सत्संग हुआ। वसुदेव जी ने बड़े सुंदर प्रश्न नारद जी को पूछे कि ये ऐसा धर्म मुझे बताइए कि जिसका पालन करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाए, वो निर्विघ्न बन जाए। उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए विदेह राजा निमि और नव योगेश्वर, उनका संवाद नारद जी ने उनको सुनाया। यह नव योगेश्वर और निवि राजा के, एक दिन निवि राजा के यहां पे जब यज्ञ चल रहा था तो योगेश्वर आप पधारे और राजन ने उनका आदर सत्कार किया, बड़े सुंदर प्रश्न पूछे कि भगवत धर्म क्या है, और भागवत धर्म का निरूपण करते हुए योगेश्वर कहने लगे, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनावान् सुतस्वभावः करोति यद्यत् परस्मै, करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायैति समर्पयेत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, जो भी कुछ कर्म करो वह सब कर्म कृष्ण को समर्पित करके करो, सर्व वस्तु समर्पण नारायणायेति समर्पयेत्, यही श्रेष्ठ धर्म है। निवि ने दूसरा प्रश्न पूछा, भक्ति के क्या लक्षण है, उसका क्या धर्म है, उसका क्या स्वभाव है, उसका उत्तर, सर्वभूतेषु यपश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यान मन्येष भागवतम। श्रेष्ठ भक्त वही है जो सर्व जगत में सब जगह, जो इस जगत को ब्रह्म रूप में देखे, जिसकी दृष्टि में भेद ना हो,
वो सर्वोत्तम भक्त है, जो केवल ईश्वर की मूर्ति में ही ईश्वर को देखे, भक्तों के साथ ज्ञानियों के साथ संबंध मैत्री रखे। और जो अभक्त है, जो सांसारिक प्रवाही जीव है, उनके प्रति द्वेष रखे, वह तो प्राकृत जड़ भक्त है। लेकिन जिसकी दृष्टि में भेद नहीं है, भेद रहित जिसकी दृष्टि है, वही उत्तम भक्त है। एक एक योगेश्वरों ने निवि राजा को बड़े सुंदर उपदेश दिए, और यही प्रसंग, यही कथा नारद जी ने वसुदेव जी को श्रवण करवाया। वसुदेव जी श्रवण कर कृतज्ञ भाव प्रकट किया। उनके हृदय में रही हुई जो जिज्ञासाएं थी, वह सब जिज्ञासाएं संपूर्ण हुई। फिर नारद जी वसुदेव जी को उपदेश देकर वहां से प्रस्थान किए, और फिर संतका आदि के प्रजापति ब्रह्मा जी, सब देवी देवता आदि सब प्रभु की स्तुति करने आए। प्रभु आप हमारे हित के लिए अवतरित हुए, अब पुनः आप अपने धाम में पधारे। प्रभु ने कहा कि अभी और कुछ कार्य बाकी है, कार्य संपन्न होने के पश्चात हम आएंगे। द्वारका की अनिष्टताओं को देखते हुए काल रूप धारण कर भगवान यदुवंशियों को आज्ञा दी कि ऐसा करते हैं, अब हम प्रभास क्षेत्र चलते हैं, वहां पर जाके दान आदि करेंगे, जिससे ये अनिष्टताएं दूर हों। सब अपने वंशजों को लेकर प्रभास क्षेत्र जाने के लिए सब तैयारी करने लगे। वहीं पे उद्धव जी आए, प्रभु के चरणों में गिर पड़े, और उद्धव जी कहते हैं, प्रभु मैं जानता हूं कि अब आपने अपने लीला समेटने का मन बना लिया है, आप चाहें तो वो ऋषि का श्राप आपके लिए है क्या, आप चाहें तो उसको अन्यथा कर सकते हैं, लेकिन अब आप ऐसा नहीं करेंगे, मेरी एक विनती है, प्रभु आप अपने स्वधाम को पधारें, लेकिन साथ में आप मुझे भी लेकर चले, क्योंकि आपके बिना मैं भी यहां पर रह नहीं पाऊंगा। आपके चरणों में उद्धव जी गिर पड़े, भगवान ने उनको उठाया, आलिंगन प्रदान किया, और कहने लगे, उद्धव हम साथ में आए नहीं तो साथ में जाएंगे कैसे। उद्धव जी को कहा कि उद्धव ज्ञान की दृष्टि से इस जगत को देखना, जो ज्ञान की दृष्टि से जगत को देखोगे तो हर पदार्थ में से कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा, ऐसा नहीं कि चैतन्य पदार्थ से ही ज्ञान मिलेगा। प्रिय उद्धव, जब दृष्टि में ज्ञान आ जाता है तो जड़ पदार्थ से भी ज्ञान की प्रवृत्ति हो सकती है। बड़ा सुंदर भगवान ने अंतिम समय में उद्धव जी को उपदेश दिया। देखिए कि उद्धव जी भी भगवान के सखा हैं और एक अर्जुन भी भगवान का सखा है। भगवान ने महाभारत के समय में अर्जुन को उपदेश दिया। दो प्रकार के धर्म है, एक प्रवृत्ति धर्म और एक निवृत्ति धर्म। दोनों धर्म का निवारण, दोनों धर्मों का पालन करना यह आवश्यक है। वहां युद्ध के समय में भगवान ने प्रवृत्ति धर्म का वर्णन किया। अरे ये क्या बैठा हुआ, कर्म कर, कर्म कर। और यहां पे उद्धव जी को प्रवृत्ति निवृत्ति धर्म का वर्णन कर रहे हैं। महाराज यदु और दत्त भगवान, जिन्होंने 24 गुरु बनाए, उन 24 गुरुओं की चर्चा यहां पे की गई है। जब यदु ने दत्त को देखा, उनके आनंद मस्ती को देखते हुए यदु महाराज ने पूछा कि हम सब मनुष्य आनंद प्राप्ति के लिए कितने साधन करते हैं, लेकिन फिर भी ये आनंद मस्ती हमारे अंदर नहीं, उसका कारण क्या। तब वह अवधूत वेशधारी ने कहा कि तुम्हारे अंदर कर्ता भाव है और मैं अकर्ता हूं, यही मेरे आनंद का रहस्य है। क्योंकि कर्ता भाव ही कर्म के बंधन में बांधता है, और बंधे हुए आदमी को आनंद शांति का अनुभव नहीं हो सकता। भगवद गीता में इसका बड़ा विशिष्ट प्रकार बताया गया, कर्म अकर्म दुष्कर्म। जब कर्म करते हुए कर्ता भाव निकल जाए, अपने आप को केवल निमित्त साक्षी मानकर जब हम कर्म करने लग जाएं प्रियजनों, तो वो कर्म होते हुए भी वह अकर्म हो जाता है।
क्योंकि कर्म तो बांधता है, कर्म भोगना पड़ता है। आप चाहे कोई भी कर्म करो, उस कर्म छुपे नहीं भभूत लगाए, तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं, बादल छा छा छा, रण चढ़ो रजपूत छुपे नहीं, पीठ छुपे नहीं, प्रीत दिखाए, चंचल नारक नैन जुग छुपे नहीं, चमरो तो वसंत आयो। कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, कर्म छुपे नहीं भभूत लगाओ, कर्म छुपे नहीं भभूत लगाओ। कर्म तो सबको भोग नहीं पड़ते हैं, वो कर्म करे बिना हम रह भी नहीं सकते हैं। तो ये एक रास्ता जो है, श्रीमद् भगवत गीता में जो भगवान ने जैसे अर्जुन को कहा, माम स्मरति युद्ध च, तू मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, चित्त मेरे में लगा ले, क्योंकि मन के साथ की हुई क्रिया को कर्म कहा जाता है। और जब कोई भी क्रिया करने में हम मन हटा दें, केवल साक्षी अपने आप को निमित्त मानकर कर्म करें, तो वो कर्म होते हुए भी अकर्म बन जाता है। मैं तो केवल साक्षी निमित्त हूं, कर्ता कार्यता श्री हरि ही। और जब तक ये मैं बना रहा, मैं करने वाला हूं, मैं घर का भरण पोषण करता हूं, मैं हूं, तो फिर वो कर्म उसको बांधेगा, और बंधा हुआ तो पशु कहलाता है, जो पाश से बंधा हुआ वो पशु। और जब तक जीव ये अहंता ममता की पाश से बंधा हुआ है, पशुवत ही उसका जीवन है। बड़ा सुंदर ये संवाद श्री दत्त ने अपने 24 गुरुओं का वर्णन किया। ये पूरी कथा भगवान ने उद्धव जी को सुनाई, अष्टांग अष्टादश विधियों का वर्णन किया गया। लेकिन भगवान कहते हैं, जो ये विधि विधानों के पीछे भागते हैं, उनको मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। जो इन विधियों को, जो इन शक्तियों को बढ़ने के लिए प्रयत्नशील होता है, उसको वो मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। मेरी प्राप्ति का तो श्रेष्ठ साधन वो तो केवल और केवल भक्ति ही है। भगवत आज्ञा से उद्धव जी का मन शांत हुआ। भगवत प्रेरणा के द्वारा फिर आपने अपनी पादुका जी उनको पधराई और कहा कि उद्धव, तुम बद्रिकाश्रम में प्रवेश करो, वहां पे सत्संग करो। और भगवत आज्ञा मानकर उद्धव बद्री वन में पधारे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कुछ समय के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पादुकाएं अपने सिर पर रखी और प्रभु की सुंदर छवि को अपने हृदय में धारण कर उद्धव जी बद्रिकाश्रम पहुंचे। तपोमय जीवन व्यतीत करके जगत को एकमात्र हितेशी भगवान श्री कृष्ण के उपदेश अनुसार स्वरूपभूत उन्होंने परम गति को प्राप्त किया। इसके पश्चात आगे ब्रह्म मूर्ति का वर्णन किया गया है, जिसमें भगवत इच्छा शक्ति से ही जो काल रूप धारण करके भगवान ने जो यदुवंशियों का संहार किया, प्रवास क्षेत्र गए, वहां पे जो ऋषि का श्राप लगा था उसका प्रभाव बढ़ने लगा, एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगे और वो वनस्पति जो थी उससे एक दूसरे को मारने लगे, और भगवान काल रूप धारण करके सबका संहार किया। पुष्टि भक्ति मार्ग की परंपरा अनुसार प्रभु की ये जो संहार लीला है, बाकी ये प्रभु तो नित्य विराजते ही हैं, ये तो प्रभु की आसुर व्यामोह लीला है, इसलिए इसका ज्यादा वर्णन नहीं किया जाता, क्योंकि आप तो सदा नित्य निरंतर विराज ही रहे हैं। इसके साथ आइए यहीं पे हम ये एकादश स्कंध को पूर्ण कर द्वादश स्कंध में प्रवेश करें। बोलिए श्री भागवत भगवान। द्वादश स्कंध आश्रय लीला, ये जो समस्त स्कंद उपदेश चरित्र आदि, मुख्य उसका हेतु भगवत आश्रय ही है, कि हमारा आश्रय स्थित हो जाए। श्रीनाथ जी का वाम पाणी तल, यह द्वादश स्कंद है, आश्रय है। अलग अलग प्रकार के आश्रय के स्वरूप बताए गए हैं, कृष्ण आश्रय, राज्य आश्रय, कालाश्रय, साधनाश्रय, मुक्ताश्रय, वेदाश्रय, अलग अलग आश्रयों का यहां पे वर्णन किया गया है। प्रियजनों,
यहीं पे द्वादश स्कंद में ही आश्रय के साथ साथ कलयुग का वर्णन किया गया है। कलयुग कैसा होगा, कलयुग में मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी होगी, उसकी स्थिति कैसी होगी, और चार प्रकार के जो प्रलय हैं उन प्रलय की चर्चा की गई। बड़ी सुंदर ये सब कथा है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि उन प्रसंगों को देख पाए। लेकिन एक यह कलयुग की कथा का वर्णन करते हुए एक बड़ी सुंदर कथा आती है जो समझने के लिए बड़ी उपकारक है, जो आश्रय का स्वरूप प्रतिपादित करती है, जो आश्रय लीला का सारभूत एक कथा जो आती है, उस कथा का हम श्रवण चिंतन करें। जब प्रभु सुदाम पधारने वाले थे तो पांडवों को कह दिया, आज्ञा करें कि अब कुछ ही समय में कलयुग आने वाला है, बड़े सावधानी से जीवन यापन करना और जो भी कुछ विचित्र दृश्य दिखाई दे वह मुझे आके बताना। भगवत आज्ञा मानकर बड़े सावधानी से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन की बात पर बड़ा विचित्र दृश्य एक पांडवों में से एक भाई ने देखा। विचित्र दृश्य देखकर प्रभु के आसपास आकर विनती करी। वो देख रहे हैं कि एक पक्षी उड़ता हुआ जा रहा है, उसके मुख से वेदों के मंत्र हैं, उसके पंख से वेद के मंत्र स्वर प्रकट हो रहे हैं और मुख में मांस का टुकड़ा है। पंख से वेद की ध्वनि प्रकट हुई है लेकिन मुख में मांस का टुकड़ा। प्रभु से विनती करी, प्रभु ये बड़ी विचित्र दृश्य देखा, इसका क्या रहस्य है? भगवान कहते हैं ये कलयुग ऐसा ही होगा, बड़े पढ़े लिखे लोग, और वो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे, अपनी जो चतुराई है, अपनी जो विद्या है, अपना जो अध्ययन है, वह चतुराई से केवल अपना स्वार्थ साधेंगे, जनहित का कल्याण नहीं करेंगे, लोगों का कल्याण नहीं करेंगे। ये कलयुग का स्वरूप है, अपनी चतुराई अपनी बुद्धि से केवल अपना ही स्वार्थ साधेंगे। दूसरे ने बड़ा एक विचित्र दृश्य देखा, एक हाथी जिसकी दो सूंड, एक सूंड से तो उसका जो पात्र था उसमें से जल पी रहा था, दूसरी सूंड से क्या कर रहा था, पक्षियों का जो भरा हुआ पानी उनके पीने के लिए जो पात्र था उसमें से पानी पी रहा था। प्रभु से पूछा, प्रभु इसका क्या रहस्य है? भगवान कहने लगे कि कलयुग में जीव ऐसा होगा, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग, बड़े बड़े पदवी पर बैठने वाले लोग, जो अपने हक का तो खाएंगे लेकिन दूसरों के हक का भी खाएंगे, कलयुग ऐसा होगा। और ऐसी स्थिति आज कहीं कुछ अंश में हम देख रहे हैं, खुद का तो लेते हैं लेकिन दूसरों के हक का भी खाते हैं। तीसरे ने भी एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा, एक गाय अपने बछड़े को चाट रही थी, चाटते चाटते इतना चाटा कि उस बछड़े में से खून निकलने लगा, वो खून चाटने लगी। प्रभु से पूछा इसका रहस्य, भगवान कहते हैं कि कलयुग में माता पिता ऐसे होंगे, अपने पुत्रों का लालन पालन करने में, उसकी समस्त इच्छाओं पूर्ति करने में इतना उसको बिगाड़ देंगे लेकिन धर्म के लिए अच्छे संस्कार उसको नहीं देंगे, भगवत सम्मुखता नहीं होगी। कलयुग के माता पिता की लाड़ प्यार करते, वास्तव में वो माता पिता ही उसके बेरी हैं कि जो धर्म के लिए प्रवृत्त न करे, अच्छे संस्कार उसके अंदर न डाले, उसकी समस्त इच्छाएं बस पूरी करें, अच्छी से अच्छी महंगे से महंगे कपड़े ला के दे दिए, महंगे से महंगे मोबाइल ला के दे दिया, महंगे से, आज देखो स्थिति ऐसी है और बच्चों में संस्कार नदारत है, ये कलयुग की स्थिति है। एक ने बड़ा विचित्र दृश्य देखा, सात कुएं देखे, छह कुएं लबालब भरे हुए, एक खाली, पूछा इसका कारण। भगवान कहते हैं कलयुग में ऐसा ही होगा, जिसके पास होगा उसके पास बहुत होगा धन, और जिसके पास नहीं है उसके पास तो एक समय का निवाला खाने के भी पैसे नहीं होंगे। कलयुग में आज हम इसी दृश्य हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति दिखाई देती है। पांचवे ने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा, ऊपर पहाड़ से एक बड़ी सी शिला नीचे की ओर गिर रही है, बड़े बड़े वृक्षों को नष्ट करती हुई नीचे की ओर आ रही है, लेकिन एक मामूली से तिनके पर वो बड़ी शिला टिक गई।
बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से निकाल दिया, लेकिन एक तिनके पर वो शिला टिक गई। प्रभु से विनती करी, प्रभु इसका रहस्य क्या है? भगवान कहते हैं, देखो ये जो बड़ी शिला है यह कलयुग का स्वरूप है, और ये कलयुग सब कुछ नष्ट कर देगा, लेकिन जिसके पास मेरे नाम रूपी तृण का सहारा है, ये कलयुग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जिसके पास मेरे नाम रूपी तृण का सहारा है, ये कलयुग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग सब युग ते अधिकाई, कलयुग सब युग ते अधिकाई, जा युग में शिवंदम प्रकटे सेवा दिखाई। कलयुग ये प्रियजनों सर्वोत्तम युग है, कलौ केशव कीर्तनाथ। यानी जितना हो सके कलयुग केवल नाम आधारा, जितना हो सके भगवत नाम का आश्रय बना के रखे। कलयुग के वर्णन करने के बाद चार प्रकार के प्रलय, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक प्रलय की चर्चा की गई। और अब परीक्षित को अंतिम उपदेश देते हुए श्री सुखदेव महाराज कहने लगे कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनते सुनते परीक्षित 7 दिन पूर्ण हो चुके हैं, तू ये निश्चय मान, निश्चय ये जान ले, मैं मरूंगा, यह अविवेक पूर्ण धारणा तू छोड़ दे, क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा मरती नहीं, आत्मा तो अमर है। तुम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम निमाम जही न जात प्राग पूतोध देहवत्वम न नक्षसि। आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, सत्य है, और उस आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहत पावक। अपने आत्मस्वरूप को तो निश्चय रूप से जान चुका है, अतः तुम तक्षक से बिल्कुल भयभीत न होना। तक्षक अपनी जीभ लबलबाता हुआ विष लगाकर तुम्हारे सामने आएगा, लेकिन तुम उससे भयभीत न होगा। अर्थात हमारे सामने काल आ जाए, काल से हम डरे नहीं। वैष्णव काल से डरता नहीं है। मृत्यु तो एक जीवन का सनातन सत्य है, मृत्यु एक अवस्था का नाम है। जैसे मनुष्य जन्म लेता है, और जिसका जन्म है उसकी मृत्यु तो उसके साथ निश्चित है। भागवत कथा श्रवण करने का सबसे बड़ा लाभ यह है प्रियजनों, भगवत आश्रय सिद्ध हो जाने से मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। परीक्षित जी महाराज ने गद्गद कंठ से सुखदेव जी का आभार प्रकट किया, और परीक्षित जी को आशीर्वाद देते हुए सुखदेव जी वहां से पधारे। सुख जी कहते हैं कि वहां एक आसन पर अपने चित्त वृत्तियों को कृष्ण कथा में लगाते हुए प्रसन्न मुद्रा में परीक्षित जी वहां पर विराज रहे थे, और वहीं पे तक्षक आया, और कब उनके जो प्राकृतिक जो देह था उसको जला दिया। परीक्षित ने तो जाना भी नहीं, उसी समय परीक्षित का उद्धार हुआ। देवगण पुष्प वृष्टि करने लगे, धुंधुली बजने लगी। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। सूत जी कहते हैं कि यह भगवत कथा के प्रभाव से श्रापित जीव भी समर्पित हो गया, और फिर आगे चलकर परीक्षित का पुत्र जन्मेजय ने उसने सर्प यज्ञ किया, सर्प योनि नष्ट होने लगी, फिर उनको समझाने में आया, वह यज्ञ बंद किया। इसके पश्चात आगे मार्कंडेय ऋषि को प्रभु के बाल शिशु लीला के दर्शन करने की इच्छा हुई, तो भगवान ने उनको वटस्य पत्रस्य उपेशयानं बालं मुकुंदम, वह वट के पत्र में बाल मुकुंद के दर्शन हुए। ऐसे सुंदर अलौकिक स्वरूप के दर्शन कर मार्कंडेय भी चिरंजीव हुए। अब सूत जी भी यहाँ कथा का विश्राम देने जा रहे हैं। यहाँ द्वादश स्कंध के अंत में श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त विषय सूची यहाँ पर बताई गई एवं विभिन्न पुराणों की श्लोकों की संख्या एवं श्री भागवत की महिमा का वर्णन यहाँ पर किया। इसलिए आचार्यों का ऐसा मत है कि जो सप्तम दिवस की जो कथा का श्रवण करता है, कहीं बीच में एक आध दिन की कथा छूट भी जाए, लेकिन सप्तम दिवस की कथा का श्रवण करने से पूर्ण कथा का फल उसको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे ये भागवत की हुंडी जिसको कहा जाता है,
ध्यान दीजिए, सब एकाग्रता से श्रवण करें। प्रथम स्कंद में भक्ति योग का निरूपण व्यास नारद संवाद के प्रसंग, नारद जी का चरित्र, राजा परीक्षित, श्रृंगी ऋषि का शाप, शिशुदेव जी आगमन आदि कथा का वर्णन किया गया। द्वितीय स्कंद योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा नारद संवाद, अवतारों के संक्षिप्त चर्चा तथा महत्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की जो उत्पत्ति होती है, इन सब विषयों का निरूपण किया गया। तृतीय स्कंद में उद्धव और विदुर की भेंट, उद्धव द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन, विदुर जी का मैत्रेय जी के पास जाना, विराट शरीर की उत्पत्ति, ब्रह्मा की उत्पत्ति, मनवंतर आदि काल विभाग वर्णन, वराह अवतार, जय विजय को श्राप, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के जन्म की कथा, हिरण्याक्ष का उद्धार, श्री कपिल देव जी का प्रागट्य, माता को दिया हुआ उपदेश आदि का वर्णन किया गया। चतुर्थ स्कंद में हमने श्रवण किया स्वयंभू मनु की कन्या के वंश का वर्णन, दक्ष यज्ञ विध्वंस, यज्ञ की पूर्ति, ध्रुव चरित्र, प्रथम महाराज का चरित्र, उनके वंश में जन्मे हुए राजाओं का चरित्र, पुरंजन आख्यान, प्रचिताओं का आख्यान, इन सब कथाओं का हमने श्रवण किया। पंचम स्कंद में प्रियव्रत जी का चरित्र, राजा नाभि का चरित्र, ऋषभदेव जी एवं भरत आदि का चरित्र, भवाटवी का वर्णन, भुवन कोश का वर्णन, गंगा जी अवतरण, द्वीपों का वर्णन, सूर्य का रथ और उसकी गति का वर्णन, नरकों की विभिन्न गति आदियों का वर्णन किया गया। षष्ठम स्कंद में अजापिल आख्यान, विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म का निरूपण, दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण किया गया, नारायण कवच का उपदेश, वृत्रासुर वध, मरुद्गण, उनकी उत्पत्ति आदि कथाओं का श्रवण हम सबने किया। सप्तम स्कंद के अंतर्गत नारद युधिष्ठिर संवाद, हिरण्याकश्यप का उद्धार, प्रह्लाद जी का चरित्र, मानव धर्म, वर्ण धर्म आदि का निरूपण, गृहस्थ संबंधी सदाचार आदि का वर्णन किया। अष्टम स्कंद में मन्वंतर का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन अवतार, मत्स्य अवतार आदि कथाओं का वर्णन किया। नवम स्कंद में वेवस्वत मनु के पुत्र की कथा, नाभाग अम्बरीश की कथा, इश्वाकु वंश का वर्णन, राजा त्रिशंकु हरिश्चंद्र की कथा, सगर के चरित्र, गंगा अवतरण, भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन, राजा निधि के वंश का वर्णन, चंद्रवंश आदि का वर्णन किया। और दशम स्कंद में प्रमुखता से भगवान श्री कृष्ण का जन्म एवं उनकी अनेक विविध लीलाओं का, प्रभु की विचित्र लीलाओं का वर्णन किया गया, उसका हमने श्रवण किया। एकादश स्कंद यदुवंश को ऋषियों को जो श्राप लगा भगवत इच्छाओं से, उस कथा का निरूपण किया। नव योगेश्वरों का संवाद, अवधूत उपाख्यान, हंस के रूप में समितादि को दिया गया उपदेश, वर्ण आश्रम, धर्म निरूपण, भागवत धर्मों का निरूपण एवं यदुकुल संहार, श्री भगवान का सुधाम गमन करना, इन सब लीलाओं का वर्णन किया गया। द्वादश स्कंद में कलयुग के राजा, कलयुग की स्थिति का वर्णन, कलयुग में धर्म, चार प्रकार के प्रलय, परीक्षित के परम गति, वेदों की शाखा का भेद, मार्कंडेय जी की तपस्या, माया दर्शन और भगवान के अंग उपांग आदि का वर्णन एवं साथ ही विविध पुराणों के श्लोकों की संख्या आदि का वर्णन यहाँ द्वादश यानी 12वें स्कंद में किया गया। श्रीमद् भागवत की महिमा प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि यह सारे उपनिषदों का सार है, जिसने इसके कथारस का पान कर लिया उसे अन्य पुराण श्रवण की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में विष्णु और वैष्णवों में श्री शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है। श्रीमद् भागवत भगवत तत्व ज्ञान का श्रेष्ठ प्रकाशक है प्रियजनों, इसकी तुलना में और कोई भी पुराण नहीं आ सकता। अब यहाँ श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद के अंतिम दो श्लोकों में उपसंहार के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जिनमें भागवत भक्ता एवं श्रोता के लिए अमर संदेश दिया गया है कि भागवत श्रवण के बाद सांसारिक ऐषणाओं के प्रति निष्काम बन जाना चाहिए। भागवत कथा श्रवण के बाद एक ही कामना कीजिए कि उस बड़ा सुंदर युगल गीत का वर्णन किया गया है। सुखदेव जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण वन में पधारते हैं, उनके पधार जाने के पश्चात ये गोपियों की स्थिति कैसी होती है, उसका वर्णन यहाँ पे युगल गीत में किया है। देखिए युगल गीत में 25 श्लोक
अर्थात 12 युग्म हैं, दो दो श्लोकों का एक युग्म, यानी ऐसे 12 युग्म हैं, यानी 24 श्लोक और एक स्वतंत्र श्लोक है, यानी 12 महीना की लीला, पूरे साल भर की लीला, और 13 यानी अधिक मास, यानी पूरे साल भर की लीला का इसमें वर्णन किया गया है। वेणुगीत में भी कुछ इसी प्रकार का भाव है, ध्यान दीजिए, वेणुगीत में भी जब ठाकुर जी वन विहार के लिए पधारते तो गोपियां ठाकुर जी की लीला का चिंतन स्मरण करती, लेकिन वह वेणुगीत में आसक्ति दशा का वर्णन है और यहां ये युगल गीत में व्यसन दशा का वर्णन है, क्योंकि रास पंचाध्यायी के बाद की ये अवस्था है, यानी व्यसन दशा है। भगवान ने वेणुनाद करके जो सर्वोत्तम लीला की है उसका कारण युगल के दूसरे श्लोक में कहा है, तथा उस लीला का वर्णन प्रत्येक युगल के प्रथम श्लोक में किया गया है। प्रथम युग में स्त्रियों में प्रमुख देवांगनाएं वेणुनाद सुनकर उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसका निरूपण किया गया है। वैसे तो हमने वेणुगीत के दर्शन किए हैं प्रियजनों, और वेणुगीत और युगल गीत के भाव काफी मिश्रित हैं, फिर भी आइए कुछ एकाद दो श्लोक का गान करें। वाम बाहुकृत वाम कपोलो वल्गीत भ्रूर धरार्पित वेणु कोमलांगुलिभिर आश्रित मार्गम गोप्य इरयति यत्र मुकुन्द व्योमयानवनि तासह सिद्धैर् विस्मितास्तदु पधार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चेता कश्मलं ययूरपस्मृत नित्य। वन विहार के समय जब ठाकुर जी गौचारण लीला करते हैं, उनके दर्शन करती हुई गोपियां कहती हैं कि जब प्रभु अपने वेणु बजाते हुए बाहें कंधे पर बाएं कपोल रखकर मुकुंद कृष्ण अधर पर रखी बंशी को जिस समय अपने स्वरों के छिद्रों से उनके छिद्रों पर कोमल उंगलियां फिराकर सुंदर बजाते हैं, उस समय जो सिद्ध पत्नियां हैं सिद्धई सह जो देव पत्नी है अपने पतियों के साथ आकाश में विमान पर ये देवांगनाएं प्रभु के वह वेणुनाद सुनकर मोहित हो जाती हैं, विस्मित हो जाती हैं, उनके अंदर काम प्रवेश कर जाता है। प्रभु के यह वेणुनाद का विवेचन करते हुए श्री आचार्य जी सुबोधनी में आज्ञा करते हैं कि वेणुनाद 5 प्रकार से आप श्री करते हैं। एक, मुख को दाएं ओर रखते हुए वेणुनाद करते हैं, बाएं ओर कपोल को बाएं कंधे की ओर झुकाकर वेणुनाद करते हैं। तीसरा, वेणुनाद करते समय मुख सामने की ओर रखते हैं। चौथा, वेणुनाद करते समय मुख को आप ऊपर की ओर दृष्टि ऊपर रखते हैं। और पांचवा, वेणुनाद करते हुए आप अपना मस्तक दृष्टि नीचे की ओर रखते हैं। आप श्री आचार्य जी उसके अलग अलग भाव बता रहे हैं कि जब बाएं कपोल को बाएं कंधे की ओर झुकाकर जब आप श्री वेणुनाद करते हैं तो जितनी भी ये स्त्रियां हैं उनके अंदर काम जागृत हो जाता है। दाहिने कपोल को दाएं कंधे की ओर झुकाकर जब वेणुनाद करते हैं तो उस नाद से स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर काम जागृत हो जाता है। जब प्रभु वेणुनाद करते समय आप अपना मस्तक दृष्टि ऊपर की ओर करते हैं तो वह वेणुनाद सुनकर देव के अंदर पशु पक्षियों में सीधा अंदर वेणुनाद वह रस जागृत कर देता है, काम जागृत कर देता है। और जब आप वेणुनाद करते समय अपने मुखारविंद नीचे की ओर रखते हैं तो जितने ही पशु पक्षियां हैं उनके अंदर जड़ चेतन
देखिए प्रभु का वेणुनाद कैसा है, जड़ को चेतन बनाने वाला और चेतन को जड़ बनाने वाला। एक बार तो एक गोपी ने यशोदा मैया से कही कि मैया मेरे तेरे एक लाला को समझा के जब हम रसोई बनाती हो वह समय वेणुनाद न करे, कि क्यों कि मेरे काना बंसी बजाए वह समय तुमको का दिक्कत है। तो कि मैया का बताए जब ये अंगीठी हम प्रज्वलित करें और ये वेणुनाद करे तो वो लकड़ा में से रस द्रवित हो जाए, और तू ही बता हम कैसे बहरू, हम कैसे रसोई बनावे। तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बनाने वाला, पांच प्रकार से आप वेणुनाद कर समस्त भक्तों को आनंदित करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। युगल गीत के पश्चात अब आगे राजस प्रकरण का प्रारंभ होता है। तामस प्रकरण में ब्रजभक्त उनके निरोध सिद्ध करने की लीला कथा का वर्णन किया गया, और अब यहां भगवान के द्वारा अन्य जीव जो हैं उनको निध सिद्ध जो निरोध सिद्ध करवाएंगे उसका वर्णन किया जाएगा। दशम स्कंद के 36वें अध्याय में श्री सुखदेव जी ने भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार किया, उसका वर्णन 36वें अध्याय में किया, और फिर भगवान ने केसी दैत्य का उद्धार किया, व्योमासुर आया, व्योमासुर का आपने उद्धार किया जो घोड़े का रूप धारण करके आया, भगवान ने उसका उद्धार किया, और अब आगे भगवान को क्या लीला करनी है यह बात देवर्षि नारद जानते हैं। तो भगवत इच्छा शक्ति से ही नारद जी कंस के पास आए और भगवत लीला संबंधी सब बात सब रहस्यों को कंस के आगे उजागर किया। यह सब बात श्रवण कर कंस को क्रोध आया, जो दैत्यों को इन्होंने ये केसी वगैरह जो भेजे थे भगवान ने तो उनका उद्धार किया, और फिर नारद जी के सुझाव पर यदुवंशियों में श्रेष्ठ इस अक्रूर जी को बुलाकर उनकी बड़ी प्रशंसा करी और आज्ञा दी कि आप ब्रज में जाओ और कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर आओ। यह सुनते ही अक्रूर जी बड़े प्रेम विवल हो गए, भगवत भक्त हैं, विचारने लगे कि चाहे कोई भी प्रयोजन हो कोई भी कारण हो लेकिन आज कंस के वजह से मुझे श्री कृष्ण बलराम के दर्शन की प्राप्ति होगी। उनके मन में अलग अलग भाव संजोने लगे, अलग अलग मनोरथ प्रकट हो गए, कृष्ण प्रेम में इतने तन्मय हो गए, रथ में बैठे लेकिन जो सारथी चलाने वाला है उसको आदेश करना ही भूल गए कि भाई रथ चलाओ। अब रथ में तो बैठ गए लेकिन कृष्ण लीला में ऐसे मग्न हैं। निकले थे सुबह, वर्णन आता है कि जब पहुंचे तो गोधूली वेला थी। अब मथुरा से वहां वृंदावन ब्रज में पहुंचने में इतना समय तो नहीं लगता, आचार्य से बता रहे हैं कि यह जब ब्रज जाने की जब बात आई, कृष्ण बलराम के दर्शन की जब बात आई तो उनके हृदय में इतने भाव प्रेम मग्न वो हो गए, प्रेम विवल हो गए, अलग अलग मनोरथ हृदय में संजोने लगे और रथ में बैठ गए लेकिन आदेश नहीं दिया, और फिर जब सुधी आई तब उसको आदेश दिया और रथ गौधुली वेला में ब्रज में आ पहुंचा। और जैसे जैसे उनके मनोरथ थे उसी प्रकार से कृष्ण बलराम ने उनके मनोरथ पूर्ण किए। मन में सोचा कि कृष्ण बलराम कैसे होंगे, मुझे देख के क्या कहेंगे, वैसे तो मैं उनका दास हूं भक्त हूं लेकिन संबंध में उनका काका हूं तो काका जी कहेंगे, कैसे पुकारेंगे उनके मीठे मीठे मुखारविंद से, मेरा जब नाम उच्चारण करेंगे तो मेरा ही उद्धार हो जाएगा। अलग अलग भाव, और जैसे भाव थे, ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, गौधुली वेला का समय है, श्री कृष्ण बलराम गायों की सेवा कर रहे हैं, गौशाला में हैं। जहां रथ आकर रुका अक्रूर जी उतरे, अक्रूर जी को देखकर ही प्रभु कहने लगे देखो दादा कौन आयो, काका जी पधारे। दौड़ते भय गए, दोनों भाइयों ने दोनों हाथों को पकड़ा और आवाज लगाई बाबा बाहर आओ देखो कौन आयो, मथुरा से काका जी पधारे हैं। नंद राय जी बाहर पधारे,
अक्रूर जी के आतिथ्य में उन्होंने कोई भी कमी न रखी, अंदर बड़े आगता स्वागता के साथ ले गए। भोजन आदि से निवृत्त हुए, बैठे, मथुरा के सब समाचार पूछे। अक्रूर जी कहने लगे, मथुरा नगर में बड़ा उत्सव होने वाला है और मैं आपको निमंत्रित करने के लिए, आपको पधराने के लिए ही यहाँ पे आया हूँ। आप ब्रज के राजा हैं तो महाराज ने खास आदेश दिया है कि आप अपने दोनों वीर पुत्रों के साथ, क्योंकि आपके पुत्रों के वीरता के समाचार मथुरा तक पहुंच गए हैं, तो आप अपने दोनों बालकों के साथ मथुरा पधारे हैं मेरे संग, ये मेरा निवेदन है। अक्रूर जी को भेजने का कारण, क्योंकि जानता था अक्रूर जी की बात को ये नंदराय जी टालेंगे नहीं, यदुवंशियों में उनकी बड़ी महात्मा है। नंदराय जी कहने लगे, अरे अक्रूर जी आप स्वयं आए हैं, आप तो किसी दूत को भी भेज देते तो हम आ जाते, आप स्वयं आए हैं, अवश्य ही हम आएंगे। अन्य सखाओं ग्वाल बालों को सबको आज्ञा दे दी, शकट आदि तैयार करो, सामग्री जोड़ो मथुरा ले जाने के लिए, सुबह उठते ही प्रातः ही मथुरा की ओर गमन करेंगे। कृष्ण बलराम भी मथुरा जाने के लिए तैयार हुए। नंदराय जी ने भी अक्रूर जी को कह दिया सुबह निकलेंगे। अब सब अपने अपने भवन में गए। यशोदा जी कहने लगी, अरे आपने वाकू कह तो दी कि सुबह होके जाएंगे, लेकिन सुबह आपको जानो है तो जाओ, मेरे ये बालकन को ले जावे को का प्रयोजन है। वहां इतनी सभा, दूर दूर से कितने ही हजारों लाखों लोग आए होंगे, ऐसी भीड़ भड़क काम है, ये मेरे बालक को ध्यान कौन रखे। वो नंदराय जी कहवे लग गए, तू क्यों चिंता कर रही है, मैं हूं साथ में, अरे आप तो अपने कामकाज में लग जाओगे, इनको ध्यान कौन रखेगा। इतने वर्ष हुए, 7 वर्ष, लेकिन यशोदा जी से लालन दूर नहीं हुए। ये तो गौचारण में भी पधारते तो मन उनका वहीं पे रहता, और ये तो मथुरा जाने की बात आई, आपने पूछे बिना ही अक्रूर जी को कह दियो, मेरे से सलाह सूचन तो करते। नंदराय जी कहने लगे कि नहीं, अब तो उनको कह दिया है, निवेदन हो चुका है, तो चिंता मत कर, उनको जल्दी लेके मैं आ जाऊंगा। नहीं समझे यशोदा जी, रात्रि भर सोचते सोचते कि कैसे मैं सुबह इनको रोकूं, कैसे इनको रोकूं, क्या बात कहूं कि ये रुक जाएं, इनको तो बड़ो समझायो। अब ऐसो करूंगी, सुबह उठते ही अक्रूर जी के चरणों में गिर पड़ूंगी, उनको हाथ जोड़ के उनकी चरण वंदना करूंगी, कहूंगी कि आपको इनको ले जाना है तो ले जाओ, लेकिन मेरे दोनों पुत्रन को मत ले जाओ, शायद वो मेरी पीड़ा समझ जाए। ये विचार करते करते बड़ी देर से उनको नींद आई। सुबह उठे, नहाए धोए, तैयार किए, माखन रोटी अरोगाई गोद में बैठ के नंदराय जी के चलो चलो वहीं पे, यशोदा जी सीधे अक्रूर जी के चरण में गिर पड़े। मैया बोलवे लगी, बरहूं गोधन हरो कंस सब मोय बंदी ग्रह में लो, इतनो सुख मेरे लालन दो आखिन आगे खेलो। मैया कहवे लगी के अक्रूर जी, जो कंस को चाहिए तो होए तो मेरो सबरो गोधन ले जाओ, और तो और जो वाकू वामे भी नहीं संतोष होवे तो मोकू कारागृह में डाल दो, लेकिन मैं तो बस इतनो ही चाहूं कि मेरे ये दो लालन मेरे आखिन आगे रहे, मेरे आखिन के आगे खेलें, भले मेरो समस्त गोधन ले लो, मोकू बंदी गृह में डाल दो, लेकिन इनको यहां से मत ले जाओ। ऐसी व्याकुल होकर रोवे लगी। नंदराय जी से उनकी पीड़ा सहन नहीं हुई। नंदराय जी अक्रूर जी को कहवे लगे, ऐसो करें अपन ये दो बालकन को यहीं पे रेवे दें, ये सहन नहीं कर पाएगी। अब अक्रूर जी कहवे लगे कि बाबा ध्यान से सुनो, और जो भी सत्य था कि ये जो आपको बालक है ये वसुदेव देवकी जी को उनको पुत्र है, और वसुदेव जी ये बालक को आपके यहाँ पे पधरा के ले गए, कितने समय से जब से कंस को पता चली है तो वापस उनको वसुदेव देवकी को कारागृह में डाल दियो है, अब ये नहीं आएंगे तो ये मुक्त कैसे होंगे, आप विचार करो, इनको जानो तो अति आवश्यक है।
नंद बाबा ये सुन के स्तब्ध हो गए, प्रभु की ओर दृष्टि की। कन्हैया कहवे लगे, बाबा अक्रूर जी काका जी जो कह रहे हैं ये बात सच है, आप हमें आज्ञा दो, हमारो कहो सुने आप माफ करो, और अब आपकी ये जो जितनी गाय हैं वो गाय आप संभालो। अब नंद लेऊं गाय संभार, दूध दही हम बहुत ही खायो, गैया चराई दिन चार, हम तुमरे आन प्रगटे बहुत की नीलार। सूर श्याम प्रभु चले मधुपुरी कपट कागज फार, अब नंद लेऊं तुम्हारी गाय। प्रभु की यह बात सुन के, अक्रूर जी की यह बात सुन के मैया के मन में यह बात ठीक नहीं लगी कि देखो तो सही, ये मेरे लाला तो ये तो छोटो है, याकू तो कुछ समझ नहीं पड़ी, ये अक्रूर कैसो है, मथुरा ले जाए के लिए अब ऐसो कपट करवे लग गए, ये मेरो लाला तो बड़ो बोलो है, बेटा तू इनकी बातन में मत आ, और तू मेरो तो विचार कर, तू मथुरा चलो जाएगा तो मेरो का होगा, तू तो चलो मथुरा को लल्ला, अब कौन को प्रात जगाऊंगी मैं, उठ के अब प्रात हिलाल मेरे, अब कौन को पाग धराऊंगी, वन में अब भोजन को लाल, अब कौन के छाक पठाऊंगी, अब कौन कहे गो मैया मोसो, लाल कहे कौन बुलाऊंगी। भैया तू चलो बेटा, तू चलो जाएगा तो मैं सुबह कौन को उठाऊंगी, कौन को श्रृंगार माखन रोटी आरो गाऊंगी, कौन के मस्तक पे पाग बांधूंगी, कौन के लिए छाक पटाऊंगी, कौन मुको मैया कह के बुलाएगो, लाला कह के मैं कौन को पुकारूंगी, कौन कहेगो मैया मोसो, लाला कही कौन बुलाऊंगी। मैया ने बड़ा विनय किया, यशोदा जी का ऐसा विरह, साथ ही साथ वहां उनके जो प्रभु के सखाजन थे वो भी आ गए, कहवे लग गए क्यों लाला कहां आज मथुरा जा रहे हो, अब हम तो बड़ो परेशान हो गयो, तो नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम भी चलो संग में। सखाजन कहवे लग गए, लाला हम तो तेरे साथ में आ जाएंगे, लेकिन ये जो गाय जो बंदी बई है, गाय जो बाट देख रही है, उन गाय को क्या होएगो, जब से उनको पता चली है कि तू ब्रज छोड़ के मथुरा जा रहे है, तब से तो उन्होंने सुबह से पानी भी नहीं पियो है, और तो देख उनकी आंखन से प्रेम की धारा बहती जा रही है, इन गैया इनको क्या होगा, ब्रज के पशु पंखी सब ऐसे, क्योंकि उनके पास शब्द नहीं है, बस यही भाव है कि कोई तो इनको रोक ले जाते समय, वहां के मयूर हिरन पशु पंखी सब, हाँ ये सब तो मुनि हैं, ऐसे धीर गंभीर होकर प्रभु पधार रहे हैं ब्रज छोड़ के, ये देख रहे हैं कोई की बिनती से रुक जाए, कहीं रुक जाए। गोपीजन आई, गोपीजन आके प्रभु को विनय करवे लगी, श्याम विरह व्याकुल ब्रज बाला, निरहिन जी मीन बिहाला, सुखत आधार वदना मूर जाने, जनुहिम परत कमल कुमला, गाति परस्पर वचन अधीरा, गद गद बचन बहत द्रग नीरा, जीवन धन प्राणन को प्यारो, लिए जात है अक्रूर हमारो, अहो विदाता स्तम न कचित दया, संयोज मेत्राय प्रणयेन देहिन, तांश्चाकृतार्थान वियुंदनार्थकं, विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा।
गोपीजन इतनी व्याकुल हो गई। अब तो पहले तो बड़े इनकी आन रखी भई थी कि शायद ये ग्वाल बाल मैया के कहवे से रुक जाएं, लेकिन अब आपस में सोचने लगी कि जो अब हमने और संकोच किया तो ये छोड़ के चले जाएंगे। सब रथ के आगे लेट गई। देखें ये अक्रूर नाम तो या को अक्रूर है, लेकिन या से क्रूर तो हमने कोई देखियो नहीं आज तक। देखें या की और क्रूरता, हमारे ऊपर से रथ ले जाए तो माने। सब रथ के आगे लेट गई, लोक लाज सब छोड़ के कि प्रभु को यहां से जावे नहीं देंगे। पुनः प्रभु रथ से नीचे उतरे, उनको सांत्वना धीरज ढाढ़स बढ़ाते हुए कही कि हम वापिस आएंगे, हम लौट के आएंगे। देखो प्रभु ने वचन दियो तो कि हम आएंगे, लेकिन ये नहीं कही कि कब आएंगे। ठाकुर जी ने कहा कही गोपियन को हम वापिस आएंगे। ये जो प्रभु की जो आज्ञा है ब्रजभक्तों पर कृपा करवे के लिए, आगे की जो आपको लीला करनी है वाकी भूमिका के रूप में आपने प्रकट की हो, और आपने जो ठाकुर जी ने ब्रजभक्तन को गोपीजन को जो वचन दियो थो कि मैं वापिस आऊंगो, वाको पूर्ण करवे के लिए साक्षात श्री महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी पुनः ब्रज में पधारे। और यही जो ब्रजभक्त जो थे वही वापिस ये अष्ट सखायन के रूप में, ये कौन है? अष्ट सखी तो है ये सब, 84 252 वैष्णव ये कौन है? ये सब लीला परिकर सारस्वत के सब ब्रजभक्त ही तो हैं, और वही सब ब्रजभक्त पुनः ब्रज में प्रगट भए। श्री महाप्रभु जी ब्रज में पधारे, आगे की लीला करवे के लिए आपने ये ब्रजभक्तन को मैं आऊंगो कब आऊंगो वो नहीं, लेकिन श्री महाप्रभु जी आप ब्रज में पधारे। यही लिए तो अपने ब्रजभक्तन ने अपने भगवद्गीता ने गायो, जे वसुदेव किए पूर्ण तप सो फल फलित शिव वल्लभ देव, जे गोपाल होते गोकुल में अब आन बसे निज गेह, जे वे गोप वधु ही ब्रज में ते अब वेद रुचा भई ते, चित स्वामी गिरधरन शिव विठल तेही एही तेही तेही कछु ना संदेह। तो तब के गए अब आए, ये लिए भगवदीय ने गायो, जुग जुग राज करो श्री गोकुल जुग जुग राज करो। गोपियन प्रभु के वचन पे विश्वास रखकर मार्ग दे दियो, रथ में आप विराजे। जैसे ही रथ में विराजे, रथ आगे चले, गोपी जन पीछे पीछे, वहीं स्वामी जी आके खड़ी हो गई। पुनः रथ से आप नीचे उतरे और प्रिया प्रीतम दोनों आप एक ही स्वरूप हैं, दोनों एक दूसरे के अंतर में रमण करवे वाले हैं। ये सब लीला रूप है प्रियजनों, ठाकुर जी संयोग विप्रयोग के माध्यम से भक्तन को निरोध सिद्ध करे हैं। जब आप ब्रज में रहे तो ब्रज भक्तन को संयोग के द्वारा निरोध सिद्ध भयो, और मथुरा के जो भक्त थे उनको निरोध विप्रयोग के माध्यम से करायो, और जब आप ब्रज छोड़ के मथुरा द्वारका आदि पधारे तब भक्तन को विप्रयोग को अनुभव करायो, और वहां के भक्तन को संयोग को अनुभव करायो। तो ये संयोग और विप्रयोग दोनों रस के माध्यम से ही पूर्ण रस, भगवान जो रस वही रसो वही है, रस स्वरूप हैं, वह रस को पूर्ण अनुभव करवे के लिए प्रियजनों संयोग और विप्रयोग ये दोनों प्रकार के रस आवश्यक हैं। तभी भगवान के रसो वैसा स्वरूप को पूर्ण रूप से जीव अनुभव कर सके। तो ये सब प्रभु की लीला मात्र लीला रूप है। नेत्र नेत्र में ही दोनों ने बातचीत करी और स्वामी जी की आज्ञा लेकर आप रथ पे आरूढ़ होकर पधारे। पीछे पीछे भक्त चल रहे हैं, जब तक रथ दिखाई दियो उनके पीछे पीछे चलते रहे। रथ आगे निकल तो गयो, रथ दिखाई दे, रथ की ध्वजा दिखाई दी, तब तो गोपीजन खड़ी रही कहीं वापिस लौट के आ जाए, लेकिन धीरे 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 रथ दूर निकल गयो। और जैसे ही रथ दूर निकल गयो अब तो दिखाई भी नहीं दे रो है, अब पूरो ब्रज ऐसो सुनो हो गयो, गोपीजन को धैर्य छूट गयो, आंखों में से ऐसी धारा बहवे लगी विरह अग्नि, निसदिन बरसत नैन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पर जबते शाम सिधारे, अंजन नीर न रहत अखियन पर भय कर कपोल सब कारे। ऐसो भक्तन को विरोध, ऐसो विप्रयोग, ये जीव को सामर्थ्य, ये जीवा को सामर्थ्य नहीं है प्रियजनों के वो भक्तन को जो विरह भयो व विप्रयोग को कछु वर्णन कर सके।
हाँ, मेरे का सामर्थ्य के वाको वर्णन किया जाए, ये तो भगवदीय वो लीला को गान कर रहे हैं, वह लीला वह भाव को वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं। ब्रज के विरही लोग बिचारे, ब्रज के विरही लोग चारे, बिन गो अति दूर पलकन हारे, अति दूर पलकन हारे, ब्रज के अति दूर पलकन हारे, दूर तक देखते रह गए प्रभु पधारे। एक रात निकली दूसरो दिन, लेकिन ठाकुर जी ब्रज फिर पधारे। हाँ गोपियां अब का करें, रोज तो इतनी तत्परता व्याकुलता रहती दर्शन करवे की, जल भरवे जाए वही वापिस ये मटकी फोड़वे आ जाएंगे, रोज की कछु ना कछु लीला। लेकिन अब ये गोपीजन पूरो दिन करें का, दिन ऐसे निकल गए। हाँ का की हो जाए, कोई प्रवृत्ति नहीं रही। आज प्रियजनों ये पुष्टि माधुर्य महोत्सव की पूर्णा होती, 7-8 दिन से रोज हम सबके अंदर भी ऐसी तत्परता कथा के लिए, दर्शन के लिए, मनोरथ के दर्शन के लिए। लेकिन आज ये कार्यक्रम की पूर्णा होती, वापिस अब कल से यही अपन को भी विचार आवे कि अब कल वापिस कब ऐसा अवसर, वापिस कब कथा को अपन श्रवण करेंगे, सत्संग करेंगे, जो एक प्रवृत्ति रोज की हमारी स्थिति बन गई। लेकिन फिर वापस कई वैष्णव ऐसा भाव कि जैसे सुनो सुनो लग रहो है, कार्यक्रम की पूर्णाहुति हो रही है। यह मथुरा काजल की रेखा, यह मथुरा जर की रेखा, जो निक से वो कारे, जो निक से कारे, जो कोई कान कान यशोदा मैया बाट देखे, दधि मंथन करे, माखन निकाले और ऐसी बावरी हो गई, अकेली अकेली बात करे, काना आजा आजा आजा, कानों में ऐसी ब्रह्म वाकु के नहीं, मैया मैया कहके लालन की आवाज वाकु सुनाई दे, ऐसी यशोदा जी की स्थिति। और माखन निकाल के प्रतीक्षा करे, अभी काना आएगा वाकु माखन बड़ो प्रिय है, ऐसी यशोदा जी की स्थिति। मन में यशोदा जी को ये एक ताप हमेशा रहा कि वादिना मैंने क्रोध में आके मेरे कोमल बालक को बांध दियो,
वाके उधर पर वाके हाथ पे लाल लाल निशान पड़ गए, मुको बिल्कुल भी दया नहीं आई, ऐसी में क्रूर ऐसे ही तो मेरी स्थिति होनी चाहिए, ये मेरे कर्म को ही मैं भोग रही हूँ कि मैंने लाला को बांधो वाकू दंड दियो और वाके चलते वो वापस कभी आयो नहीं लौट के। मैया के हृदय में हमेशा ये ताप एक रहा कि मैंने अपने लाला को बांध दिया, मुको नेक दया नहीं आई, कैसी हूं मैं। अच्छो भयो वहां चलो गयो मथुरा, वहां पे वाको आनंद ही मिलते होगो, वहां वाको सुख मिलते होगो, यहां तो मैंने वाको श्रम ही दियो है। मात यशोदा पथ निहारत, मात यशोदा पंत निहारत, निरखत साज सवारे, परमानंद स्वामी बिन ऐसे, परमानंद स्वामी बिन ऐसे, जैसे चंद्र बिन तारे, ब्रज के बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अखियन बहत पनारे, ब्रज के विरही लोग विचारे। प्रभु उन भक्तों को अंतह रमण विप्रयोगम परम फलम, श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं यह विप्रयोग परम फल है। विप्रयोगम परम फलम, विप्रयोग में अंतह रमण है, विप्रयोग में भक्त वह भोक्ता स्वरूप है और भगवान भोग्य हैं। संयोग में तो एक ही स्थान पर प्रभु के साक्षात दर्शन को अनुभव होए, लेकिन विप्रयोग में तो हर दिशाओं में जो कोई कान कान कही बोलत अखियन बहत, ये विप्रयोग की दशा प्रियजनों। पुष्टि मार्ग अत्यंत ताप क्लेश को है, विरह होनो चाहिए, और वही ताप वह विरह जैसे हमारो अंतःकरण शुद्ध बने। वह विप्रयोग अंतः रमण श्री ठाकुर जी ब्रजभक्तन को प्रदान कर मथुरा पधारे। मथुरा पधार कर फिर आपकी मथुरा की लीलाओं का आगे वर्णन किया गया है। अक्रूर जी ने प्रभु की स्तुति की, उसका वर्णन किया गया। घर पे पधारने की विनती करी, आपसी ने आज्ञा करी कि पहले तो जो कार्य के लिए यहाँ पे आए हैं उस कार्य को संपन्न करेंगे, और फिर वहीं पे मथुरा में आपने धोबी का उद्धार किया, दर्जी का उद्धार किया, सारू पे मोक्ष प्रदान किया, सुदामा माली उसके मनोरथ आपने पूर्ण किए, अनन्य भक्ति का उसको दान दिया, कुब्जा के मनोरथ आपने पूर्ण किए, कुब्जा जो तीन जगह से टेढ़ी थी लेकिन प्रभु के स्पर्श होते ही, प्रभु में समर्पित होते ही सुंदरी बन गई, कुब्जा यानी बुद्धि। और जब तक वह बुद्धि कंस के लिए यानी के संसार में लगी हुई रहती है तब तक वह बुद्धि टेढ़ी कही जाती है,
जब तक ये बुद्धि केवल संसार के कार्य में प्रवृत्त है तो काम क्रोध लोभ ये तीन प्रकार से वो बुद्धि टेढ़ी है कुब्जा। लेकिन जब उस बुद्धि का भगवान में विनियोग हो जाता है तो वह बुद्धि सुंदर बन जाती है। प्रभु का स्पर्श होते ही वह कुब्जा सुंदर हो गई। प्रभु के विनती करी कि आप घर पधारें। प्रभु ने वरदान दिया कि अवश्य तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। फिर आगे कुवलिया पेड़ हाथी का प्रभु ने उद्धार किया, उसका वर्णन किया गया। कुवलिया पेड़ के हाथी उसके दांतों को, एक दांत को बलराम जी ने अपने कंधे पर रखा, एक दांत को प्रभु श्री कृष्ण ने अपने कंधे पर रखा और रंगमंच में आपने प्रवेश किया। ऐसी सुंदर प्रभु की अवर्णनीय शोभा, और वह मंच पर रंगमंच में जिसकी जैसी भावना थी तद अनुरूप ही प्रभु ने सबको अपने मनोरथ भाव के अनुसार सबको दर्शन कराए। मल्लानाम शनि नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सता क्षितिभुजाम शास्तास्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराड विदुषम तत्त्वम परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगगतः साग्रज रंगर रंगगतम साग्रजः। अग्रज जितने बड़े भाई बलराम जी के साथ जब भगवान रंगशाला में गतः प्रवेश किया तो उस समय जैसे भक्त जिसका जैसा भाव था उस रूप में भगवान ने उनको दर्शन दिए। मल्लानाम पहलवानों को ब्रज के समान दर्शन हुए, यानी रौद्र रस का अनुभव कराया। नृणाम नटवरह मनुष्यों को अलौकिक श्रेष्ठ पुरुष के रूप में दर्शन हुए, अद्भुत रस का अनुभव भक्तों को हुआ। स्त्रीणम मूर्तिमान स्तरह स्त्रियों को साक्षात कामदेव के समान प्रभु के दर्शन हुए, श्रृंगार रस का अनुभव किया। गोपानाम स्वजन ब्रजवासियों को अपने भाई बंधुओं के रूप में दर्शन हुए, हास्य रस का अनुभव हुआ। असताम क्षितिभुजाम शास्ता वहां सभा में बैठे हुए जितने भी दुष्ट राजा है उनको उनके शासक के रूप में भगवान के दर्शन हुए, वीर रस का अनुभव हुआ। स्वपित्रो शिशुः जितने भी वहां पे बाबा के उम्र के थे, बड़े वयोवृद्ध थे, उनको उनके पुत्र के रूप में भगवान के दर्शन हुए, वात्सल्य रस का भगवान ने अनुभव कराया। भोजपते मृत्युः कंस को अपने मृत्यु के रूप में भगवान के दर्शन हुए, भयानक रस का अनुभव हुआ। अविदुषाम जितने भी अज्ञानी थे उनको विराट स्वरूप में प्रभु के दर्शन हुए, विभत्स रस का अनुभव हुआ। योगीनाम परम तत्त्वम योगियों को परम तत्व के रूप में भगवान के दर्शन हुए, शांत रस का अनुभव हुआ। और वृष्णीनाम परदेवतेति भक्त शिरोमणि वृष्णिवंशियों को अपने इष्ट देव के रूप में भगवान जान पड़े, भक्ति प्रेम रस का अनुभव उन भक्तों को हुआ। तो इस प्रकार जिसकी जैसी भावना उस प्रकार भक्त के भक्तों को 10 प्रकार के रसों का अनुभव भगवान ने कराया। मंच में प्रवेश करते ही चाणूर्मुष्टिक के साथ भगवान ने मल्लयुद्ध किया। कुश्ती चल रही है, युद्ध हो रहा है, उसी समय मथुरा की जो स्त्रियां दर्शन कर रही थी प्रभु की, उन मथुरा की गोपीजनों को, मथुरा की स्त्रियों को ब्रज की गोपियों का स्मरण हो आया। कहने लगी, अरे ये वे गोपियां, यद्यपि भगवान यहां मथुरा पधार गए लेकिन वे तो ग्रह कार्य करती हुई, अन्य सभी कार्य करती हुई अश्रु पूरित नेत्रों से श्री कृष्ण का गान करती हैं, अतः वे ब्रज की गोपियां धन्य हैं। यादो हने वहने मथनोपलेप प्रेंगे घनार बरुदितो क्षण भार जनादौ गायन्ति चेन मनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो धन्या व्रजस्त्रिय उरक्रम चित्तयाना। मथुरा की ग्वालिन कहने लगी, मथुरा की स्त्रियां कहने लगी कि ये वे व्रज स्त्रियां धन्य हैं जिनका चित्त श्री कृष्ण चंद्र में लगा हुआ है, और वे अश्रु पुरित नेत्रों से गदगद कंठ से भगवान की लीला का निरंतर गान करती रहती हैं। दूध दोहते समय, दधि मंथन करते समय, घर लिपते समय, बालकों को झूला झुलाते समय, नहलाते समय, घर में साफ सफाई सुहनी करते समय कृष्ण की लीलाओं का ही गान करती हैं।
जिनका मन विस्तृत कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण में ही लगा हुआ है वे ब्रज की गोपियां धन्य हैं। ऐसी ब्रजवासियों की स्थिति आ गई, हर काम करते समय बस ठाकुर जी का ही स्मरण, ये है चेतस्तत फल दशा। ऐसी हमारी स्थिति आ जाए, एक क्षण भी जो देह का अनुसंधान न रहे प्रियजनों, देहानुसंधान हम भूल जाए तो मानो हमारा जीवन सफल हो गया। ऐसी स्थिति आनी चाहिए, देह का अनुसंधान न रहे, घर कार्य करते समय, प्रवृत्ति करते समय श्री कृष्ण का ही चिंतन, श्री कृष्ण का ही चिंतन। जैसे वो सुंदर दास जी, सुंदर शब्द का प्रयोग केवल श्री महाप्रभु जी के लिए करते हैं। एक दिन की बात, वैष्णव के वहां पे प्रसादी का क्रम था और प्रसाद लेने बैठे, पत्तल पर विराजे और प्रसाद लेने बैठे और मुख से निकल गए, बहुत सुंदर जय हो। सब वैष्णवों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इनके मुख से तो कभी सुंदर शब्द आया नहीं, क्योंकि उन्होंने पूछा कि भी प्रसाद कैसा लगा, तो बहुत सुंदर, इनको बड़ा आश्चर्य कि आज इनके मुख से सुंदर शब्द निकल गया, बाकी तो ये महाप्रभु जी के लिए ही प्रयोग करते, अरे आज क्या बात है आपके मुख से ये सुंदर, हम तो धन्य हुए। भैया तुम काहे की बात कर रहे हो, मुख को पता नहीं है, लेकिन मेरो मन तो श्री महाप्रभु जी के चरण कमल में है, वहां पे श्री महाप्रभु जी में जो माया जीव है, जो आसुरी जो जीव है, उन पर आपने विजय प्राप्त की है, मायावाद को खंडन कियो है, आपको जय जय घोष भयो, और वो सभा में मैं श्री महाप्रभु जी के दर्शन कर रहा हूँ, वो देखते हुए मैं कह रहा हूँ बहुत सुंदर, तुम यहाँ काहे की बात कर रहे हो मैं नहीं जानू। कृष्णदेव राय की सभा में श्री महाप्रभु जी का जो विजय घोष हुआ, बोलिए श्री अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की, और वो जय घोष सुनकर ये सुंदरदास जी का मन ऐसा उनमें तल्लीन, भले प्रसाद ले रहे हैं लेकिन बहुत सुंदर ये तल्लीनता है। मथुरा की स्त्रियां कह रही हैं धन्य है ये ब्रज की स्त्रियां, भगवान चाणूरमुष्टिक के साथ युद्ध किया, उनका उद्धार किया, शल तौशल के साथ उन पहलवानों का भगवान ने उद्धार किया, और फिर देखते ही देखते मंच की ओर दौड़े, कंस ने देखा कि वो कृष्ण मेरी ओर आ रहे हैं, म्यान में जो तलवार थी तलवार को निकाला, भगवान मंच पर चढ़े, जैसे ही वह तलवार कंस ने भगवान के ऊपर प्रहार किया, हाथ पकड़ा, मंच से नीचे धक्का दिया, और जिस प्रकार से एक सिंह हाथी के ऊपर छलांग लगाता है, ऐसी छलांग लगाई कंस पे, ऐसा भयानक स्वरूप देख के वहीं पे कंस के प्राण निकल गए, जय जय घोष हुआ, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने कंस को सारूप्य मुक्ति प्रदान की, तत्पश्चात कंस के 8 भाई लड़ने आए, भगवान ने उनका भी उद्धार किया, फिर भगवान ने बंदी गृह से उग्रसेन को मुक्त किया, माता देवकी और पिता वसुदेव जी को मुक्त किया, माता पिता के चरण स्पर्श किए और प्रार्थना करी कि आपने मुझे जन्म दिया है लेकिन मैं आपकी कुछ सेवा नहीं कर पाया, अब मैं इसी मथुरा नगर में रह के आपकी सेवा शुश्रूषा करूंगा। सब मथुरा वासियों ने भगवान को सिंहासन रूढ़ होने की विनती करी, लेकिन भगवान कहने लगे कि यह मथुरा राज्य हमारा नहीं है, मथुरा के महाराजा तो उग्रसेन है। उग्रसेन को सिंहासन रूढ़ किया, उनका राज्य तिलक करने में आया, सब प्रजा सुखी हुई, सबके दुख भगवान ने दूर किए। अब आगे प्रभु की मथुरा लीला का वर्णन है। माता पिता ने अपने पुत्र के यज्ञोपवीत संस्कार करवाए और फिर अवंतिकापुरी सांदीपनी गुरु के आश्रम में अध्ययन करने के लिए आपको भेजा। वहां पाठशाला में 4 दिनों में 4 वेद आपने पढ़ लिए, 64 दिनों में 64 विद्या पढ़ ली, और तो और गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु माता के कहने पर उनको जो उनका जो पुत्र था समुद्र जो डूबकर मर गया था समुद्र में डूबकर उन गुरु पुत्र को उनको वापस लौटा कर दिया। अब इसके पश्चात आगे प्रभु की उद्धव लीला का वर्णन है। मथुरा में भगवान को
भगवान का स्वर्ण मंडित महल, रत्न खचित शैया और सब प्रकार के ऐश्वर्य मथुरा नगरी में उपलब्ध हैं, लेकिन मथुरा में रहते हुए भी प्रभु की दृष्टि हमेशा ब्रज की ओर रहती। ब्रज का स्मरण करते, ब्रज को याद करते, मथुरा में भगवान के प्रिय सखा बृहस्पति के शिष्य एवं परम ज्ञानी उद्धव जी महाराज हैं, प्रभु के सखा हैं, लेकिन उनको ज्ञान का भी अभिमान है। भगवान के मन में विचार आया कि इस मथुरा नगरी में मेरी बराबर का और कोई ऐसा तो है नहीं कि जिससे मैं अपने मन की बात कह सकूं। यहां तो सभी मेरे महात्म ज्ञान को जानते हैं, सभी मेरे सामने हाथ जोड़कर ही खड़े रहते हैं, मेरी स्तुति करते रहते हैं। यहां तो मेरा सखा व भक्त तो केवल एक है, ये उद्धव, कि जिससे मैं अपनी मन की बात कर सकूं। लेकिन ये उद्धव में एक बड़ी एक न्यूनता है कि इसे अपने ज्ञान का अति गर्व है, अभिमान है। यह उद्धव प्रेम रस से अछूता है, प्रेम रस को नहीं जानता है। तो भगवान ने यह उद्धव अपने प्रिय सखा को प्रेम भक्ति आदर्श सिखाने के लिए भगवान ने विचार किया कि मुझे इसको ब्रज गोपियों के पास भेजना चाहिए। यदि उद्धव को ब्रज भेज दिया जाए तो इससे तो गोपियों का सत्संग प्राप्त हो जाएगा और मेरा संदेश गोपियों को मिल जाएगा, इस प्रकार से दोहरे कार्य हो जाएंगे। भगवान ने उद्धव को बुलाया, वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दुहितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। यह उद्धव जी यादवों में श्रेष्ठ हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं और बुद्धिमानों में परम श्रेष्ठ हैं। भगवान के कक्ष में उद्धव जी पहुंचे, आपसी पलंग पर विराजमान थे। उद्धव जी देख रहे हैं कि भगवान की आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। ऐसी स्थिति देखकर उद्धव जी चकित हो गए, कहने लगे, प्रभु आप तो निर्लेप हैं, आप तो निर्गुण हैं, निष्काम हैं, आप तो काम हैं, फिर आपके नेत्रों में ये अश्रुपात कैसे आ गए? भगवान कहने लगे, उद्धव मुझे ब्रजभूमि की माँ यशोदा की, नंद बाबा की, ग्वाल बालों की, सखियों की, मेरी गंगी गैया की, यमुना तट की, कदम वृक्ष की और किशोरी जी की याद आ रही है। किशोरी जी को नाम लेते ही ठाकुर जी को गलो भर आयो। यह देख उद्धव जी ने भगवान से कहा, महाराज ऐसी बात है तो आप उनको कछु संदेश भिजवा दो, या मैं दुखी होवे की क्या बात है? भगवान कहवे लगे, उद्धव तुमने बिल्कुल ठीक सलाह दी और मेरा ये कार्य तुम ही पूर्ण कर सकते हो। ऐसा करो, तुम ही मेरे लिए तुम ही मेरा संदेश लेकर जाओ। गच्छोद्धव व्रजम सौम्य पित्रोर्नो प्रतिमा वह गोपीनाम मद वियोगाधि मत संदेशैर विमोचय। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अब भगवान बोलते जा रहे हैं कि तुम लिखो, उद्धव ब्रज में जाके कहियो, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। प्रात समय माता जसुमती और नौदा देखी सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो अतिहित
हाथ खबावत, अतिहित हाथ खबावत, उधो 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 मोह ब्रज बिसरत ना। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरा, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, तीन सो हसत ब्रजनाथ, जिन सो हसत ब्रजनाथ, उधो 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 मोह ब्रज बिसरत नाहि। प्रभु आप जो ये कह रहे हो, आप ये जो पत्र में लिखवे की आज्ञा कर रहे हो, जो ये बात मैंने वहां जाके कही तो वहां के लोगों को तो और धैर्य छूट जाएगा, उनको सांत्वना देवे संदेश ऐसो होना चाहिए प्रभु कि उनको सांत्वना मिले। ये ऐसी बातें सुन के तो और उनको उद्वेग और उनको ताप बढ़ जाएगा। हाँ हाँ उधो तुम्हारी बात तो सत्य है, तो तुम ही बताओ उधो का लिखें प्रभु, कछु शिक्षा उनको देनी चाहिए कि जैसे उनको आपको निर्गुण निराकार स्वरूप को ज्ञान हो। उद्धव जी ने अपने ज्ञानानुसार निर्गुण निराकार स्वरूप को ध्यान समाधिस्थ होकर अज्ञान नष्ट कर अंतरात्मा में ही साक्षात कर होगो, इन सब विषयों का उद्बोधन कर लिया। उद्धव जी पत्र लेकर जाने के लिए तैयार हुए। उद्धव जी ने पूछा कुछ और भी कहना है? ब्रज की लीलाओं का स्मरण करते हुए भगवान कहने लगे, कहा श्री कृष्ण ने उद्धव से, तुम वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना, विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती है, तड़पती आह भर भर कर रो रो कर यही कहती है। प्रभु ने अपने जो हृदय के मनोभाव थे वह भाव उद्धव को दिए। उद्धव भगवान की आज्ञा लेकर निकलवे की तैयारी करी। वही समय प्रभु ने कही, उद्धव तुम ऐसे जाओगे तो तुमको कोई जाने को नहीं। प्रभु ने अपने प्रसादी वस्त्र माला आभूषण आदि उद्धव जी को प्रदान किए और प्रभु के सुंदर प्रसादी वस्त्र श्रृंगार आदि धारण कर, सुंदर माला धारण कर, उद्धव जी ब्रज की ओर शनि शनि आगे बढ़े। रथ में आप विराजे, रथ ब्रज भूमि में प्रवेश किया। ब्रज वृंदावन भूमि में प्रवेश करते ही वहां के वातावरण का उद्धव पे प्रभाव होना शुरू हो गया। वहां को ऐसा वातावरण, ऐसी अलौकिकता, ऐसी आदिदेविकता, जाको प्रभाव उद्धव जी पे पड़वे लग गयो। उद्धव जी का रथ थोड़ा और आगे बढ़ा, देख रहे हैं कि घर घर में गौदोहन हो रहा है, तो उसके साथ श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण हो रहा है। घर घर में गोपियां ग्रह कार्य संपन्न करती हुई श्री कृष्ण नाम उच्चारित कर रही थी। गायन्ति भिश्च कर्माणि शुभानि बाल कृष्णयो स्वलंकृताभि गोपैश्चै सुविराजितम्। उद्धव का रथ जैसे जैसे नंद भवन के निकट आ रहा है, गोपियों को मंगल शुगुन दिखाई देने लगे। रथ जैसे निकट आयो, गोपियों के वाम अंग फड़कने लगे,
गोपियां देख रही हैं कि कौआ मीठी वाणी में बोल रहा है। मैया बाबा गोपियां सभी मंगल से शुभ आशा शगुन कर रही हैं। सायंकाल में उद्धव जी का रथ श्रीमद गोकुल में जाकर पहुंचा। वे नंदराई जी के भवन पहुंचे, खिड़क में ही नंदराई जी के दर्शन हुए, बड़े प्रेम से मिले, आदर पूर्वक बिठाया, कुशल समाचार पूछे। जब नंदराई जी एवं उद्धव की वार्तालाप की ध्वनि सुनी तो यशोदा जी ने भीतर से आवाज लगाई कि अरे महर कौन आयो है। यशोदा जी तो उद्धव जी को जानती नहीं थी, अतः नंदराई जी ने कहा कि उद्धव जी आए हैं। यशोदा जी कहवे लगी, उद्धव, ये उद्धव कौन? पुनः परिचय देना पड़ता, अतः संक्षेप में कहा, अरे महर मथुरा से आए हैं। जब मैया के कान में शब्द पड़ा कि मथुरा से आए हैं तो वह सोचने लगे कि मथुरा से कौन आयो होगो, क्या मथुरा से मेरो कन्हैया लौट के आ गयो। ये मन में सोचते ही बंसी लकुटी लेकर ऐसी दौड़कर भागी, कहाँ है मेरो कन्हैया, ले बेटा तेरी ये बंसी लकुटी, उद्धव जी भी श्याम वर्ण कन्हैया के वस्त्राभूषण देख मैया को लगो ये तो कन्हैया ही है, और जाके दौड़ के सीधो वाकू छाती से लगा लियो उद्धव जी को। मैया कहवे लगी, अरे कन्हैया बड़े दिन के बाद आयो, बड़े दिन के बाद आज मैया की सुधली। नंदराय जी कहवे लगे, अरे ये लाला नहीं है, ये उद्धव है। यह सुनते ही मैया कन्हैया कन्हैया कहती हुई प्रभु के नाम को स्मरण करती हुई वहीं पृथ्वी पर नीचे गिर पड़ी। यह सुनी धरनी गिरी, बेसुध हो गई, मूर्छित हो गई। धीरे धीरे उनको होश आयो। मैया उद्धव से पूछने लगे, मेरो लाला केसो है, वो कब आएगो। नित प्रति भोर की मंगल धुनसो, कौन जगावे गोपाल, कौन उठाए लगाए हृदयसो, सहलावे नंदलाल, उद्धव जी केसो है मेरो लाल। कौन नवावे, कौन सजावे, कौन संवारे बाल, कौन नयन में अंजन भर कर चूमे भाल विशाल। सहज सलोनो मन को भोलो, शर्मी लो मेरो लाल, बिनु मनुहार के कछु न खावे, माखन मिश्री रसाल। कौन मेरे लाला को वहां पे माखन मिश्री आरोगावे, कौन वहां को पाग बांधे। सुमिर सुमिर मोहन की लीला, हाल हुए बेहाल, झुर झुर नयन आस संजोऊं, आवे गो मेरो लाल। शाम को जाए बताइयो उधो, ब्रज गोपिन को हाल, कैसे जीवत नंद यशोदा, कैसे रहे गऊ ग्वाल। जो हमको स्वीकारे उधरो, उधो मथुरा को भोपाल, गिरिधर चाकर बहन रह लेंगे ब्रज मंडल प्रतिपाल। गिरिधर चाकर बन रह लेंगे ब्रज मंडल प्रतिपाल, उधो कैसो है मेरो लाल, नित प्रति भोर की मंगल धुनसो, कौन जगावे गोपाल। मेरो कहना कैसो है, कौन वाको ध्यान रखे, ऐसी यशोदा जी की मनोस्थिति। यशोदा जी की धीरज ढाड़स को बढ़ाते भय उद्धव जी कहवे लग गए, आप अपने मन को स्थिर करें, सावधान करें, मेरी बात सुने। उद्धव जी कुछ कहें उसके पहले ही यशोदा मैया मुकु तो लगे कि मेरो कन्हैया नहीं लौट के आयो, वाको कारण मेरे ही कर्म है, मैंने बड़ी क्रूरता से वाको दंड दियो, वाकु बांध दियो, और वही भय के मारे वो आयो नहीं, मुकु थोड़ी सी भी दया नहीं आई, मैंने वाकु उरुखल से बांध दियो। गोपी आई, गोपियों ने मुकु समझायो, लाला को छोड़ेवे की बात कही, बिनती करी, लेकिन वादिना में टस से मस नहीं भई, मैंने लाला को बांध ही दियो। उद्धव यही कारण है कि लाला वहां मथुरा से लौट के नहीं आयो। तुम्हारे सामने भी तो उद्धव लालन ने कभी ये बात को वर्णन तो अवश्य कियो ही होगो, मैं गोकुल मैया के पास नहीं जाऊंगो क्योंकि वो मुको उखल से बांधे हैं। सच्ची बताओ उद्धव, तुमको ये बात लाला ने कही कि नहीं, बताई कि नहीं? यशोदा मैया कहवे लगी, उद्धव तुम जाकर कन्हैया को समझा दीजो, वह एक बार गोकुल आ जाए। वाकू चाहे कितनी मटकी फोड़नी होए, वो मटकी फोड़े,
मैं कभी भी उखल से वो रस्सी से वाकू कभी नहीं बांधूंगी। कन्हैया को जाके वो बात कह दो, कन्हैया को जाके कीजो, अरे वो रस्सी तो मैंने कब से यमुना जी में डाल दी, फेंक दी मैंने, चिंता नहीं करे, वो एक बार गोकुल आ जाए। ऐसो कहती भाई कृष्ण कृष्ण कहते हुए यशोदा जी विलाप करने लगी। कृष्ण की लीला चिंतन करते करते पूरी रात बीत गई। बीच बीच में उद्धव जी ज्ञान की चर्चा भी करते जा रहे हैं, हमारे नाम कन्हैया ने क्या संदेश भेजा है। यहां जब गोपीजनों ने, भक्तों ने, नंदराय जी ने यह प्रश्न पूछो, उद्धव जी कहने लगे, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतो दयः नात्मियो न पश्चापि न देहो जन्म एव च। आप सब ध्यान सावधानी रखें, न तो उनकी कोई माता है, न तो उनके कोई पिता है, न उनकी कोई पत्नी है, न उनका कोई पुत्र है, न उनका लिए कोई पराय है, न देह है और न तो जन्म है। ऐसे ज्ञान निर्गुण निराकार की बात करवे लग गए। बीच बीच में ज्ञान को उपदेश दें। दूसरो दिन आयो प्रातःकाल, सारे गोकुल में समाचार फैल गयो के मथुरा से उद्धव जी पधारे हैं। जो गोपियां नंदालय में आ सकती थी वे तो दौड़ दौड़ कर आ गई उद्धव जी के दर्शन करवे के लिए, मिलवे के लिए, कि का संदेश लेकर आए। अब नंदराय जी ने सबसे कहा, प्रातः काल हो गया है, निक धैर्य रखो, उद्धव जी को अपने नित्य आदि कर्म से निवृत्त होने दो। उद्धव जी यमुना स्नान के लिए गए, वहां पे देखा कि घर घर में गोपियां काम कर रही हैं और कृष्ण विरह में उनका गान करती जा रही हैं, अश्रुपात हरेक गोपियों के आंखों से नित्य बह रहे हैं। उद्धव जी नित्य क्रम से निवृत्त होकर लौटे, गोपियों ने उनको देखा, तम वीक्ष कृष्णानुचरम ब्रजस्त्रिय प्रलंब बाहु नवकंज लोचनम पीतांबरम पुष्करम मालिनम लसन मुखारविंदम मणिभ्रष्ट कुंडलम। कृष्ण अनुचर हैं, कृष्ण के सखा हैं, लंबी भुजाएं हैं, उनके नेत्र नवीन कमल के समान है, पीताम्बर भी श्री कृष्ण का है, आभूषण भी श्री कृष्ण के हैं। और इन सब चिन्हों को देखते हुए गोपियों को यह निश्चय दृढ़ हो गया कि अब अवश्य ही श्याम सुंदर भी पधारेंगे, क्योंकि उनके अंतरंग मित्र यहाँ पे आ पहुंचे हैं। आज उद्धव के आने पर गोपियों ने बड़ा उत्सव मनाया, विरह में भी उत्सव मनाया। क्यों? गोपियों को यह दृढ़ विश्वास हो गया कि हम कम से कम भगवान हमको भूले नहीं हैं, उनकी स्मृति में तो हम सदा हैं ही, तभी तो संदेश लेकर उद्धव को यहां पे भेजा है। ऐसा उत्सव मनाया गया। श्री महाप्रभु जी निरोध लक्षण ग्रंथ में आज्ञा कर रहे हैं कि उद्धवा गमने जाते हैं उत्सव समूहान यथा। ब्रज में उद्धव जी के आने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। गोपियों की धारणा है कि विरह अवस्था में भगवान नहीं तो भगवत जन मिल जाएं, उनके समाचार मिल जाएं, तो भी बड़े आनंद उत्सव की बात है। श्री आचार्य चरण भी यही इच्छा करते हैं। ऐसे उत्सव सुख जो सुख गोपीजनों को मिला जिस उत्सव के माध्यम से, वैसा ही सुख मुझे प्राप्त हो। वृंदावने गोकुलेवा योत्सवे मे मनसी क्वचित, श्री महाप्रभु जी निरोध लक्षण में कहते हैं, हमारे अंदर भी ऐसा उत्सव ऐसा आनंद जागृत आ जाए जैसे गोपीजनों ने उद्धव जी के दर्शन करके जो आनंद उत्साह उनके हृदय में प्रकट हुआ, ऐसा भक्तों के दर्शन कर हमारे अंदर भी उत्साह उत्सव के रूप में परिवर्तित हो जाना चाहिए। गोपियों ने उद्धव जी को आसन दिया, अर्थ दिया, बिठाया, चारों ओर से घेर लिया। फिर एक गोपी ने इशारा किया कि जाओ राधा जी को पधरा ले आओ, मुख्य संदेश तो उन्हीं के लिए होगा। राधा आई श्याम विरह में, आपका श्रेयंग अति कृश हो गया। श्री किशोरी जी जब वहां पहुंची तो उद्धव जी देख रहे हैं कि बहुत ही मलिन साड़ी आपने पहन रखी है, फिर भी वह साड़ी ऐसी चमक रही है, ऐसा विरोधाभास क्यों? विचार किया जाए, साड़ी मलिन है तो उसको धुलाया जा सकता है, स्वच्छ किया जा सकता है, लेकिन
यह रासलीला के समय प्यारे श्याम सुंदर के वक्षस्थल का चंदन केसर स्वेद कर्ण इस साड़ी पर लगे हुए हैं। अब प्राण प्रिय तो चले गए, उनकी स्मृति ये साड़ी में रही हुई है। इसमें प्रियतम के अंगराग भी है और ये साड़ी साड़ी अगर धुल गई तो अंगराग भी धुल जाएगा। अतः तालालच ना धुआवत। इस प्रलोभन में आकर श्यामाजू ने वह साड़ी भी नहीं धुलवाई। ऐसी विरहनी ऐसी श्यामाजू की दशा, उद्धव जी तो भगवान के संदेश वाहक बनकर आए। उन्होंने भगवान द्वारा जो प्रेषित पत्र को गोपी श्री राधा जी को देने के लिए बाहर निकाला, गोपियों की दृष्टि पत्र पर गई। सभी एक दूसरे को कहने लगी, अरे तुम सुनो, ये उद्धव जी क्या लेकर संदेश आए हैं, उद्धव जी आप ही सुनाइए, क्योंकि राधा जी के हाथ में आप ये पत्र देंगे, राधा जी तो विराह अग्नि में जल रही हैं, कहीं ये पत्र भी जलकर भस्म न हो जाए, वो संदेश हम न सुन पाएंगे, आप ही उद्धव जी सुनाइए। ब्रज पहुंचे उद्धव जिस जगह था गोपियों का मंडल, वहां थी शांति पृथ्वी वायु धीमी और व्योम था निर्मल, सहस्त्र गोपियों के मध्य में शिराधिका रानी, सभी के मुंह से रह रह कर निकलती थी यही रवानी। जहां ये ज्ञान की चर्चा करे वहां पे ये गोपियों का विरह प्रेम भाव उद्धव देखें, कहने लगे उद्धव जी के ब्रह्म निराकार है निर्गुण है, ध्यान धारणा के द्वारा उनके स्वरूप में मन को लगाया जा सकता है, ऐसी ऐसी बातें करने लगे। गोपियां कहने लगी, उद्धव तुम जिस कृष्ण को जानते हो और हम जिस कृष्ण को जानते हैं लगता है कि वो दो अलग अलग हैं। हम जिसको जानते हैं तुम कहते हो वो निराकार है, तो बताओ निराकार है तो हमारे घर की मथनी माखन किसने चुराया, वो निराकार है तो बताओ हमारे साथ रास विहार किसने किया, वो निराकार है तो वेणु किसने बजाई, वो निराकार है तो गैया किसने चराई। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं, बिना कृष्ण दर्शन शांति नहीं, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। हम जिस ब्रह्म को जानते हैं, उसके स्वजनों को जानते हैं, उसके माता पिता को जानते हैं, उद्धव हमें ये बताओ कि तुम जिस ब्रह्म को कृष्ण को जानते हो वह उसका देश कौन सा है, उसका गांव कौन सा है, कहां रहता है, तुमको निराकार है निर्गुण है तो भी जो देखा ही नहीं जाएगा तो उसको कैसे उसके साथ प्रेम कैसे किया जाएगा, आकार होगा तब भी तो प्रेम होगा, तुम कहते हो निराकार है उसका कोई रूप नहीं है, तो फिर रूप नहीं है तो फिर ये आंखें किसको देखेंगी, आंखों का मतलब क्या है, जो उसका रूप माधुर्य नहीं है तो ये कथा किसके रूप के लीला का गान का श्रवण करेंगे। निर्गुण कौन देश को वासी, को हे जनक जननी को कहियत कौन नारी को दासी, निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियों की श्याम गति श्यामति, श्याम ही प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभादा, ऐसी गोपियों की स्थिति प्रियजनों। ये संवाद चल रहा था वहीं पे एक भ्रमर गुंजार करता हुआ वहां पे आया, गोपियों के चरण का स्पर्श करने लगा। उसको देखते हुए भ्रमर के निमित्त बहुत कुछ प्रेम गीत प्रेम शब्द उद्धव जी को सुनाए, जिसको प्रेम गीत भी कहा जाता है, जिसको भ्रमर गीत भी कहा जाता है। मधुपकित बंधो माम स्पृशांग्री सपत्न्यां कुच विलुलित माला कुंकुमश्मिर शुभिर्नः वहतु मधुपति स्तन्मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडंब्यम यस्य दूतस्व मिद्रुक। ब्रह्म रूप से मानो ठाकुर जी का ही मन वहां पे गोपियों के चरण वंदना कर रहा है, क्योंकि जहां प्रभु के लीला का गान होता है भगवान वहीं पे, मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः, भगवान स्वयं कहते हैं, तो भ्रमर रूप स्वयं श्री ठाकुर जी पधारे। और दूसरा भाव है भ्रमर यानी ये उद्धव जी का आंतरिक मन, कि वह ये प्रेम विवल गोपीजनों को देखकर उनकी चरण वंदना कर रहे हैं,
वह भ्रमर को देखते हुए गोपी जन कहती है, माम सुपुरुषांग्रे सपत्न्या, अरे ये भ्रमर तू दूर चला जा, हमको हमको स्पर्श मत कर, क्योंकि हम देख रही है तेरी मुछ पर हमारी सौतनों के द्वारा जो वनमाला कृष्ण ने जो धराई हुई थी और वो जो मसली हुई जो माला है उसमें लगा हुआ जो केसर है, वह केसर तेरी मुछ पर लगा हुआ है और वह केसर का स्पर्श तू हमें करवा रहा है, भला वो हम कैसे सहन कर पाएंगे। इसका भाव यह है कि उद्धव जी की भी जो मूछ है वह केसर वर्ण की है। सकृत दर सुधाम स्वाम मोहिनी पाययित्वा सुमनसैव सदस्य तजस्मान भवाद्रुक् परिचरति कथम तत्पाद पद्मं तु पद्मा रपि बतरत चेता उत्तम श्लोक जन्मे। यहां पे प्रभु को कपटी चोर ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग, जब प्रेम में जीव आगे बढ़ जाता है, ये बड़ी गोपी प्रेम की ध्वजा, प्रेम में सर्वोपरि ये गोपी जन है प्रियजनों, कहो ना एक गोपी के भाव पे बह गए कोट कबीर, कबीरा कबीरा का करे जा जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम पे एक गोपी के भाव पे बह गए कोट कबीर। ये गोपी जन प्रेम की ध्वजा है, सर्वोच्च है, और जब जीव प्रेम में अति व्याकुल हो जाता है तो भगवान के लिए कुछ ऐसे शब्दों का, अरे ओ कपटी, और जैसा तू कपटी है ऐसा ये भ्रमर वो भी कपटी है। जैसे भ्रमर एक पुष्प पे नहीं रहता, एक में से रस लेकर दूसरे पुष्प पे चला जाता है, ऐसा तेरा कपटी मित्र भी एक जगह स्थिर नहीं रहता। हमारा सर्व प्रकार से समर्पण स्वीकार कर, अब देखो वो हमें छोड़ के मथुरा चले गए। उनकी लीला का, उनकी कथा का जो तू हमें ज्ञान करवा रहा है, लेकिन उनकी लीलाओं में कपट ही तो कपट भरा हुआ है। मृगयुरिव कपिंद्रम विद्यवे लुब्ध धर्मा स्त्रियमृकृत विरूपाम स्त्री जतः कामयानाम बलिमपि बलिमत्वावेष्ट वध्यांश वध्य तदलमसित सख्ये दुस्तवज्जत कथार्थ। जैसे उनका स्वरूप है ऐसी ही उनकी कपट युक्त लीला है। देखो रामा अवतार धर्म स्थापन के लिए हुआ था, फिर भी छिप के बाली को मारा, वह बाली तो अपने भाई के साथ लड़ रहा था, लेकिन इन्होंने देखो वहां पे भी कपट किया, छिप के बाली को मार दिया। अरे वो शूर्पणखा, उसका क्या दोष था भला, वो तो इनसे प्रेम इनके स्वरूप में आसक्ति हुई, लेकिन उसके भी नाक कान काट दिए। और तो और बलि राजा के वहां पे जब ये गए वामन बन के, वह बलि राजा संकल्पित हो गया, जब दान लेने का समय आया, गए थे वामन बन के, और जब लेने का समय आया तो विराट स्वरूप धारण कर लिया और उसका सर्वस्व छीन लिया। तो ये तो कपट ही कपट करना चाहते हैं। उदो छोड़ कपटी की बात, मंत्री पद पायो है तासो, ये तो तुझे मंत्री पद मिल गया, इससे उनके गुणगान प्रशंसा बखान रहा है, बाकी उनके चरित्र में कपट ही कपट है। ये गोपियों के हृदय में रही हुई जो प्रेमाग्नि है, प्रेम ज्वाला है, उसके चलते वो प्रभु के लिए इस प्रकार का संबोधन कर रही हैं। गोपियों की भाषा, गोपियों का प्रेम देखकर उद्धव जी धीरे धीरे, उनका मन उनका तन पवित्र होने लगा, प्रेम से आवृत होने लगा, विचार करने लगे कि ये तो कृष्ण के अनुपम स्वरूप माधुर्य स्वरूप का आस्वादन ले रही हैं और मैं तो केवल ग्रंथों में शास्त्रों वेदों में निराकार निर्गुण ध्यान धारणा बस इन सभी में लगा हुआ रहा, वास्तविक जीवन का परम फल तो ये गोपीजन प्राप्त कर रही हैं, प्रभु के रूप सौंदर्य माधुर्य का यह आस्वादन कर रही हैं, मैं तो ये सब लाभ से वंचित रहा, ये तो प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की कि ये गोपियों के मुझे दर्शन करवा दिए, और आज ये गोपियों की कृपा से उद्धव जी भी प्रेम से ओतप्रोत हो गए, कहने लगे धन्य है ये ब्रज की गोपीजन। आसा महो चरण रेणुजुषाम हम स्याद वृंदावने किमपि गुल्मितोषधीनाम या दुस्त्यजस्वजन मार्य पथम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभैर्वमृग्याम वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभिक्ष्णशः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनादि भुवनत्रयम्। उद्धव जी का ज्ञान
चूर चूर हो गया, अभिमान चूर चूर हो गया और बस कहने लगे कि मुझे तो ये ब्रज की कोई लता पता प्रभु आप बना दें। धन्य है ये नंदराय जी के गांव के गोपीजन, इनकी चरण रज को मैं अपने सिर पर लगाता हूँ। 6 मास ब्रज में उद्धव जी रहे, ठाकुर जी की लीला का श्रवण किया, जहां जहां प्रभु ने लीलाएं करी वह सब स्थान उद्धव जी ने दर्शन किए। उद्धव जी गोपियों से कहने लगे आप धन्य हैं, प्रेम की आप साक्षात मूर्ति हैं, मैं आप गोपियों की शरण में हूं। आए थे कृष्ण कृष्ण करते हुए और गए गोपी गोपी करते हुए। गोपीजन को कहने लगे मुझे विचार ये आता है कि आप सब इतने प्रभु के माधुर्य रस का आनंद ले रही हैं, प्रभु से प्रेम करती हैं, फिर भी आपको छोड़ के प्रभु मथुरा पधारे। और तब गोपीजन कहने लगे अरे उद्धव किसने कह दिया वो मथुरा चले गए, वो तो हमारे पास ही हैं और ऐसे दर्शन हो गए, एक एक गोपियों में कृष्ण रमण कर रहे हैं, गोपी और कृष्ण एक ही है, हर जगह कृष्ण दिखाई दिए। और तब चरण वंदना करते हुए धन्योस्मि मैं आज धन्य हुआ, प्रभु ब्रज छोड़ के पधारे ही नहीं है, प्रभु तो सदा सर्वदा यही है, वो तो नित्य आनंद। प्रियजनों ये भले कार्यक्रम के आज पूर्णाहुति हो रही है लेकिन हमारे श्री गोपाल प्रभु यहाँ पे विराज रहे हैं और अब यहाँ गोपाल प्रभु विराज रहे हैं तो नित्य आनंद है, नित्य उत्सव है, नित्य मनोरथ है। प्रभु तो यही, ये तो कार्यक्रम की, बाकी प्रभु तो यही विराज रहे हैं, कहाँ पधारे, अब तो और आनंद नित्य बढ़ना है। ये कथा को सुन के और हमें आपके स्वरूप में प्रीति बढ़ी, आसक्ति बढ़ी है। एक दिन भी उनके दर्शन के बिना हमारा दिन निकल जाए तो समझ लीजिए हमारा जो हमने जो कथा सुनी वो सार्थक नहीं भाई। बिना दर्शन का एक भी दिन हमारा न जाए तो आप मान लीजिए आपका ये जो कथा सुनना सार्थक हो गया। सार्थक मानियो जो दर्शन बिना आपको एक दिन भी न जाए तो, अपने आपको महद भाग्यशाली मानियो प्रियजनों। साक्षात आनंद श्री गोपाल प्रभु यहां विराज रहे हैं, नित्य हमें तो आनंद, नित्य उत्सव, पुष्टि मार्ग में नित्य उत्सव है। बड़ा सुंदर ये उद्धव गीत, ये जो भ्रमर गीत से द्वारा उद्धव जी के अंदर रहा हुआ ज्ञान जो था वह प्रेम से ओतप्रोत हो गया। उसके बाद भगवान उद्धव जी के साथ कुब्जा के गर्भ धारे, उसके मनोरथ पूर्ण किए और फिर 50वें अध्याय से 10वें स्कंद के उस उत्तरार्ध का प्रारंभ होता है जहाँ पे जरासंध और कालीवन का वर्णन करने में आया। कंस की पत्नी अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास गई, अपने पति के मृत्यु के समाचार दिए, जरासंध ने आक्रमण किया, फिर 18वीं बार कालीवन को लेकर आया, भगवान ने मथुरा नगरी का त्याग किया, मुचकुंद महाराज पर आपने कृपा करी और फिर आगे प्रभु की द्वारिका लीला का वर्णन किया गया है। वहां द्वारका लीला में प्रभु के गृहस्थाश्रम, प्रभु का प्रथम विवाह श्री रुक्मणी के साथ हुआ उसका वर्णन किया गया, एवं साथ ही साथ प्रभु के अन्य कई विवाह हुए उन विवाहों का वर्णन यहाँ पे उत्तरार्ध में किया गया है। श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी ने प्रभु के ये जो विवाह द्वारका में हुए उन विवाह के अलौकिक आध्यात्मिक भाव भी श्री आचार्य जी ने प्रकट किए हैं। भगवान की जो ये अष्टपटरानी है और जो प्रभु के 16,108 जो ब्याह हुए उनके बड़े विशिष्ट भाव, जैसे कालिंदी जी, जामवती जी, सत्यभामा जी, नग्नजीति जी, ये सब श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि ये जो अष्टपटरानी है उनमें से ये जो 5 हैं ये प्रभु की ज्ञान स्वरूपा हैं, प्रभु की 5 प्रकार की विद्या हैं। 5 प्रभु की 5 प्रकार की विद्याएं हैं और प्रथम जो 3 रानियां हैं रुक्मणी, सत्यभामा और जामवती, ये भगवान की 3 शक्तियां हैं। एक है प्रभु की प्रजजन शक्ति, दूसरी है प्रकाश शक्ति और तीसरी है पालन शक्ति। भौमासुर के वहां से 16,000 कन्या को लेकर आए, उनके साथ आपने विवाह किया, मुरुदित्य का उद्धार किया, उन 16,000 कन्याओं के भी भाव अन्य पुराणों में प्राप्त होते हैं। तो ये जो अष्टपटरानी और 8 ये जो प्रभु की रानियां हैं, 8 बार आपने सहरा धराया
और एक नौवीं बार तब सहरा आपने धराया कि जब 16,000 कन्याओं के साथ आपने विवाह किया एक साथ, यानी 9 बार विवाह हुए, 9 बार आपने सहरा का श्रृंगार धारण किया, जिसका हेतु श्री आचार्य चरण बताते हैं कि विवाह यानी वरण, जिस प्रकार से स्त्री वरण करती है, पति का वरण किया, उसी प्रकार से आत्मा का पति कौन? आत्मा तो अजर है, अमर है, तो आत्मा के पति तो सच्चे भगवान श्री कृष्ण है, और वही विवाह है। श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि वह विवाह उनको प्राप्त करने के लिए जो नवधा भक्ति भागवत में बताई गई है, उन नवधा भक्ति में से कोई एक भक्ति को भी जीव साध ले तो भगवान कहते हैं मैं उस जीव का वरण करता हूं। ये 9 विवाह ये नवधा भक्ति स्वरूप है। गृहस्थ आश्रम शिकार करने के बाद भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया। भगवान ने अपने ही अंश से अपने वंश में प्रकट हुए। एक एक रानी के 10 पुत्र उनके विवाह हुए और उनकी संतान और विशाल यादव वंश भगवान ने प्रकट किया। विनाशाय च दुष्कृताम परित्राणाय साधुनाम, ये जो भगवान के मुख्य प्रमुख आपके जो वचन हैं उन वचनों को आपने सार्थक किया। इसके पश्चात दाऊ दादा ब्रज में पधारे, 2 मास वहाँ पे आप विराजे, ब्रज की यात्रा की उसका वर्णन करने में आया। फिर भगवान ने पाखंडी पौंड्रक एवं काशीराज का उद्धार किया, उसका वर्णन किया। आगे दाऊ जी महाराज ने द्विविध नामक वानर का उद्धार किया। जाम्बती के पुत्र सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ हुआ, इन सब प्रसंगों का वर्णन करने में आया। देवर्षि नारद द्वारा भगवान का जो ऐश्वर्य लीला जो है, यानी जो द्वारका में प्रभु इतने रानियों के साथ पुत्रों के साथ जो आप गृहस्थ आश्रम जो जीवन है वो किन प्रकार आप व्यतीत करते हैं, आपकी दिनचर्या कैसी है, वह दर्शन करने के लिए आए, उस लीला का वर्णन करने में आया। यहीं पे आगे प्रभु की श्याम सुंदर की दिनचर्या, यहाँ पे जो द्वारका में आपकी रूटीन रहता उसका वर्णन किया गया है। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते, हाथ मुख प्रक्षालन करते, प्रभु के स्वरूप का ध्यान करते, अपने ही स्वरूप में ध्यान में भी अपने स्वरूप का ही ध्यान धरें, तत्पश्चात माता पिता के चरण का स्पर्श करते, वंदन करते, ये आपका नियम था। फिर आगे वहीं पे दशमस्कंद में राजसु यज्ञ का वर्णन किया गया, जरासंध का भगवान ने उद्धार करवाया, उस लीला का वर्णन किया गया और प्रभु की आज्ञा अनुसार राजसु यज्ञ संपन्न हुआ। संतों के चरण वंदना, जूठी पातर उठाना, वह सेवा आपने स्वीकार की। आगे यहीं दशमस्कंद में सुदामा जी का चरित्र, उसका वर्णन करने में आया है 2 अध्यायों में। बड़ा सुंदर ये श्री सुदामा जी का चरित्र है और ये जो चरित्र बड़ी प्रचलित कथा है, आप सब उससे परिचित हैं। उसका जो आध्यात्मिक जो भाव है, उस प्रसंग को जो हम देखें कि सुदामा का अर्थ है भगवत प्रेम से, भगवत प्रेम में अच्छी प्रकार से बंधा हुआ समर्पित मन जिसका है वो सुदामा। सुशीला शब्द का अर्थ है शिला चरण संपन्न बुद्धि, जो उनकी पत्नी है वो सुशीला। देखिए कहने का भाव यह है कि यदि हम मन एवं बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार कर लें तभी हमारा सुदामा की तरह कल्याण हो पाएगा। जैसे भगवान ने सुदामा जी का ऊपर कृपा करी, उनके पास जो कुछ था सर्व वस्तु समर्पित किया और भगवान ने उनको अगाध संपत्ति दे दी। लेकिन केवल संपत्ति नहीं, सबसे बड़ी चीज जो भगवान ने उनको दी, इतनी संपत्ति होते भाई भी वैराग्य रहा। घर में रहना वो पाप नहीं है, घर को मन में रखना पाप है। रामकृष्ण परमहंस कहते नौका पानी पर रहे तो ठीक है, लेकिन नौका में जब पानी आ जाए, पानी पे जब तक नौका तैरे तो ठीक है, लेकिन नौका में पानी आ गया तो वो नौका डूब जाएगी। यानी घर में रहना पाप नहीं है, लेकिन घर को मन में उसी का चिंतन करते रहें, दिक्कत वहां पे है। तो ये भगवत कृपा से ही वैराग्य आ सकता है। तो सुदामा जी को इतना संपत्ति आदि मिला, फिर भी वो सावधानी होकर जीवन यापन करने लगे।
आगे सूर्य ग्रहण की लीला का वर्णन किया गया है। प्रियजनों, बड़े विशिष्ट प्रसंग है, यही सूर्य ग्रहण के प्रसंग पर आर्यावत की समस्त प्रजा वहां पे सम्मिलित हुई थी। बड़ा सूर्य ग्रहण था और वहीं पे ब्रह्म सरोवर पे सबने दानादि किए, स्नान किया। वहीं पे नंद यशोदा जी आए हैं कृष्ण के साथ, नंद यशोदा जी का वहीं पे कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ, उसका वर्णन करने में आया है। और अष्टपटरानी और द्रौपदी का संवाद भी है कि भगवान का विवाह उनके साथ कैसे हुआ, इन सब विषयों का वर्णन यहाँ पे सूर्य ग्रहण की कथा में किया गया है। आगे दशम स्कंध के अंतिम 6 अध्यायों में भगवान के 6 गुणों का क्रमशः व्याख्या की गई है, इसलिए श्री महाप्रभु जी ने इसे गुण प्रकरण कहा है। षड भीर विराजते योसौ पंच धार देवम, इन 6 अध्यायों में क्रमशः ईश्वर तत्व के 1-1 गुण वर्णन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में किया गया है। सुभद्रा हरण का जो प्रसंग आता है, वेद की स्तुति है, भृगु ऋषि द्वारा 3 देवों का पूजन, इन सब विषयों का वर्णन, इन सब लीलाओं का वर्णन, और जिसके द्वारा भगवान के जो 6 गुण हैं उन 6 गुणों का वर्णन यहाँ पे इन 6 अध्यायों में किया गया है। और भृगु जी के द्वारा 3 देवों की जो पूजा अर्चना करने में आई और उसमें यज्ञ में सर्वोत्तम देव से विष्णु हैं, इस भाव का उन्होंने प्रतिपादन किया। तो इन सब विषयों का यहाँ विषयों के साथ ही दशम स्कंद को आइए प्रियजनों, हम विश्राम देते हुए 1 स्कंद में प्रवेश करें। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय, शिवल्लभाधीश की जय। ग्यारवां स्कंद मुक्ति लीला, यहां इस स्कंद में मुक्ति लीला का वर्णन, मुक्ति के प्रकारों का वर्णन किया गया है। अलग अलग प्रकार की मुक्ति बताई गई, 2 उसमें विशिष्ट हैं, 1 है जीव मुक्ति प्रकरण और दूसरा है ब्रह्म मुक्ति प्रकरण। और ये 2 प्रकरणों के अंतर्गत 4 प्रकार की मुक्तियों का निरूपण किया गया है। कहीं कहीं शास्त्रों में 4 प्रकार की मुक्ति दिखाई देती है, कहीं कहीं 5 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन है। श्रीमद भागवत में 5 प्रकार की मुक्ति यानी कि सालोप्य, साष्टीर, सामिप्य, सारूप्य और सायुज्य, इन 5 प्रकार की मुक्ति को स्वीकार किया गया है। भगवान के नित्य चिन्मय धाम में रहना, इसको सालोक्य मुक्ति कहा जाता है। भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त कर लेना, उसे साष्टीर मुक्ति कहते हैं। भगवान के समीप रहना, समीपता, उसे सामिप्य मुक्ति कहा जाता है। और भगवान के समान रूप प्राप्त कर लेना, उसको सारूप्य मुक्ति कहते हैं। और भगवान में मिल जाना, उसको सायुज्य मुक्ति कहा जाता है। यहां 1 स्कंद में श्री आचार्य जी समझा रहे हैं कि संकर्षण व्यू का कार्य बताया गया है। जब भगवान ने यदुवंशियों का संहार करने का निश्चय किया, उस समय द्वारिका में रहने वाले विश्वामित्र आसीत, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, नारद, ये जो सब महात्मा वहां द्वारका नगरी से विदा हुए और सभी ऋषिगण द्वारका के पास जो स्थित पिंडारक तीर्थ है वहां जा पहुंचे। पिंडारक तीर्थ में सब बड़े बड़े संत वहां पे इकट्ठे हुए सत्संग के लिए। और एक दिन की बात है, यदु कुमारों उन ऋषियों की मस्करी करने के लिए सांब को गर्भवती स्त्री का रूप धारण करवाया और मुंह ढक दिया कि जिससे उसकी मूछें दिखाई न दें। और ऋषि कुमारों के पास, ऋषि जनों के पास आकर पूछने लगे कि ये स्त्री बड़ी पूछने में इसको बड़ा संकोच है कि इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री, कृपा करके आप बताइए। अब वो ऋषि तो सब जानते ही थे कि ये मस्करी करने के लिए यहाँ पे आए हैं। उनको क्रोध आया, श्राप दिया
कि ये सांब के गर्भ से तुम्हारे कुल का नाश करने वाला मुशल पैदा होगा। सब भगवत इच्छा से ये सब कार्य हो रहे हैं। यदु कुमार घबराए, उग्रसेन को आकर सारी घटना सुनाई। उग्रसेन ने भी उनको टोका और फिर वह मुसल को कहा कि ऐसा करो, इसको घिसवा दो, इसका चूर्ण बनाओ और फिर समुद्र में फेंक दिया जाए। अब वह मुसल को घिसवाया गया, उसका चूर्ण बनाया, कुछ हिस्सा रह गया, समुद्र में डाल दिया। लहरों की नौका, लहरों से वह जो पदार्थ था वह बाहर किनारे पे आ गया और एरका नाम की इसी तेज धारदार वनस्पति उसमें से प्रकट हुई और जो एक टुकड़ा बच गया था वह मछली उसको निगल गई। और जरा नाम का धीवर जब मछलियों को पकड़ने गया, जाल में वो मछली आ गई, मछली के जब दो हिस्से किए तो उसमें से वो मुशल का टुकड़ा निकला जिससे उसने तीर बनाया। यानी इस प्रकार से सब ये भगवद लीला योजना पूर्वक ठाकुर जी अपनी ये लीला क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे समय निकलने लगा, द्वारका में अनिष्टताएं बढ़ने लगी। नारद जी प्रभु के दर्शन करने के लिए द्वारका आए, वहीं वसुदेव जी के साथ उनका सत्संग हुआ। वसुदेव जी ने बड़े सुंदर प्रश्न नारद जी को पूछे कि ये ऐसा धर्म मुझे बताइए कि जिसका पालन करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाए, वो निर्विघ्न बन जाए। उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए विदेह राजा निमि और नव योगेश्वर, उनका संवाद नारद जी ने उनको सुनाया। यह नव योगेश्वर और निमि राजा के एक दिन निमि राजा के यहां पे जब यज्ञ चल रहा था तो योगेश्वर आप पधारे और राजन ने उनका आदर सत्कार किया, बड़े सुंदर प्रश्न पूछे कि भगवत धर्म क्या है और भागवत धर्म का निरूपण करते हुए योगेश्वर कहने लगे, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोति यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, जो भी कुछ कर्म करो वह सब कर्म कृष्ण को समर्पित करके करो। सर्व वस्तु समर्पणम् नारायणायेति समर्पयेत, यही श्रेष्ठ धर्म है। निवि ने दूसरा प्रश्न पूछा, भक्ति के क्या लक्षण है, उसका क्या धर्म है, उसका क्या स्वभाव है। उसका उत्तर, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यान मन्येश भागवत्तम। कि श्रेष्ठ भक्त वही है जो सर्व जगत में सब जगह, जो इस जगत को ब्रह्म रूप में देखे, जिसकी दृष्टि में भेद न हो, वो सर्वोत्तम भक्त है। जो केवल ईश्वर की मूर्ति में ही ईश्वर को देखे, भक्तों के साथ ज्ञानियों के साथ संबंध मैत्री रखे, और जो अभक्त हैं जो सांसारी प्रवाही जीव हैं उनके प्रति द्वेष रखे, वह तो प्राकृत जड़ भक्त है। लेकिन जिसकी दृष्टि में भेद नहीं है, भेद रहित जिसकी दृष्टि है, वही उत्तम भक्त है। एक एक योगेश्वरों ने निवि राजा को बड़े सुंदर उपदेश दिए और यही प्रसंग, यही कथा नारद जी ने वसुदेव जी को श्रवण करवाया। वसुदेव जी श्रवण कर कृतज्ञ भाव प्रकट किया। उनके हृदय में रही हुई जो जिज्ञासाएं थी, वह सब जिज्ञासाएं संपूर्ण हुई। फिर नारद जी वसुदेव जी को उपदेश देकर वहां से प्रस्थान किए और फिर सनकादिक प्रजापति, ब्रह्मा जी, सब देवी देवता आदि सब प्रभु की स्तुति करने आए। प्रभु आप हमारे हित के लिए अवतरित हुए, अब पुनः आप अपने धाम में पधारे। प्रभु ने कहा कि अभी और कुछ कार्य बाकी है, कार्य संपन्न होने के पश्चात हम आएंगे। द्वारका की अनिष्टताओं को देखते हुए काल रूप धारण कर भगवान यदुवंशियों को आज्ञा दी कि ऐसा करते हैं, अब हम प्रभास क्षेत्र चलते हैं, वहां पे जाके दान आदि करेंगे जिससे ये अनिष्टताएं दूर हों। सब अपने वंशजों को लेकर
प्रभास क्षेत्र जाने के लिए सब तैयारी करने लगे। वहीं पे उद्धव जी आए, प्रभु के चरणों में गिर पड़े और उद्धव जी कहते हैं, प्रभु मैं जानता हूं कि अब आपने अपनी लीला समेटने का मन बना लिया है, आप चाहें तो वो ऋषि का श्राप आपके लिए है क्या, आप चाहें तो उसको अन्यथा कर सकते हैं, लेकिन अब आप ऐसा नहीं करेंगे, मेरी एक विनती है, प्रभु आप अपने स्वधाम तो पधारे लेकिन साथ में आप मुझे भी लेकर चलें, क्योंकि आपके बिना मैं भी यहां पर रह नहीं पाऊंगा। आपके चरणों में उद्धव जी गिर पड़े, भगवान ने उनको उठाया, आलिंगन प्रदान किया और कहने लगे, उद्धव हम साथ में आए नहीं तो साथ में जाएंगे कैसे। उद्धव जी को कहा कि उद्धव ज्ञान की दृष्टि से इस जगत को देखना, जो ज्ञान की दृष्टि से जगत को देखोगे तो हर पदार्थ में से कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा, ऐसा नहीं कि चैतन्य पदार्थ से ही ज्ञान मिलेगा। प्रिय उद्धव जब दृष्टि में ज्ञान आ जाता है तो जड़ पदार्थ से भी ज्ञान की प्रवृत्ति हो सकती है। बड़ा सुंदर भगवान ने अंतिम समय में उद्धव जी को उपदेश दिया। देखिए कि उद्धव जी भी भगवान के सखा हैं और एक अर्जुन भी भगवान का सखा है। भगवान ने महाभारत के समय में अर्जुन को उपदेश दिया। दो प्रकार के धर्म हैं, एक प्रवृत्ति धर्म और एक निवृत्ति धर्म। दोनों धर्म का निवारण, दोनों धर्मों का पालन करना यह आवश्यक है। वहां युद्ध के समय में भगवान ने प्रवृत्ति धर्म का वर्णन किया है। अरे ये क्या बैठा हुआ है, कर्म कर, कर्म करो। और यहां पे उद्धव जी को प्रवृत्ति निवृत्ति धर्म का वर्णन कर रहे हैं। महाराज यदु और दत्त भगवान जिन्होंने 24 गुरु बनाए, उन 24 गुरुओं की चर्चा यहां पे की गई है। जब यदु ने दत्त को देखा, उनके आनंद मस्ती को देखते हुए यदु महाराज ने पूछा कि हम सब मनुष्य आनंद प्राप्ति के लिए कितने ही साधन करते हैं, लेकिन फिर भी ये आनंद मस्ती हमारे अंदर नहीं, उसका कारण क्या। तब वह अवधूत वेशधारी ने कहा कि तुम्हारे अंदर कर्ता भाव है और मैं अकर्ता हूं, यही मेरे आनंद का रहस्य है। क्योंकि कर्ता भाव ही कर्म के बंधन में बांधता है और बंधे हुए आदमी को आनंद शांति का अनुभव नहीं हो सकता। भगवद गीता में इसका बड़ा विशिष्ट प्रकार बताया गया, कर्म अकर्म दुष्कर्म। जब कर्म करते हुए कर्ता भाव निकल जाए, अपने आप को केवल निमित्त साक्षी मानकर जब हम कर्म करने लग जाए प्रियजनों, तो वो कर्म होते हुए भी वह अकर्म हो जाता है। क्योंकि कर्म तो बांधता है, कर्म भोगना पड़ता है। आप चाहे कोई भी कर्म करो, उस कर्म छुपे नहीं भभूत लगाए, तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं, बादल छाए, रण चढ़ो रजपूत छुपे नहीं, पीठ छुपे नहीं प्रीत दिखाए, चंचल नार को नैन छुपे नहीं, जब ऋतु वसंत आयो, कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, कर्म छुपे नहीं भभूत लगायो, कर्म छुपे नहीं भभूत लगायो। कर्म तो सबको भोगने ही पड़ते हैं, वो कर्म करे बिना हम रह भी नहीं सकते हैं। तो यही एक रास्ता जो है श्रीमद् भगवद गीता में, जो भगवान ने जैसे अर्जुन को कहा, माम स्मरति युद्ध च, तू मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, चित्त मेरे में लगा ले। क्योंकि मन के साथ की हुई क्रिया को कर्म कहा जाता है, और जब कोई भी क्रिया करने में हम मन हटा दें, केवल साक्षी अपने आप को निमित्त मानकर कर्म करें, तो वो कर्म होते हुए भी अकर्म बन जाता है। मैं तो केवल साक्षी निमित्त हूं, कर्ता कार्यता श्री हरि ही। और जब तक ये मैं बना रहा, मैं करने वाला हूं, मैं घर का भरण पोषण करता हूं, मैं हूं, तो फिर वो कर्म उसको बांधेगा, और बंधा हुआ तो पशु कहलाता है। जो पाश से बंधा हुआ वो पशु,
और जब तक जीव यह अहमता ममता की पाश से बंधा हुआ है, पशुवत ही उसका जीवन है। बड़ा सुंदर यह संवाद। फिर दत्त ने अपने 24 गुरुओं का वर्णन किया। ये पूरी कथा भगवान ने उद्धव जी को सुनाई, अष्टांग अष्टादश विधियों का वर्णन किया गया। लेकिन भगवान कहते हैं जो ये विधि विधानों के पीछे भागते हैं उनको मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। जो इन विधियों को, जो इन शक्तियों को बढ़ने के लिए प्रयत्नशील होता है उसको वो मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। मेरी प्राप्ति का तो श्रेष्ठ साधन उदो केवल और केवल भक्ति ही है। भगवद आज्ञा से उद्धव जी का मन शांत हुआ। भगवद प्रेरणा के द्वारा फिर आपने अपनी पादुका जी उनको पधराई और कहा कि उद्धव तुम बद्रिकाश्रम में प्रवेश करो, वहां पे सत्संग करो। और भगवद आज्ञा मानकर उद्धव बद्री वन में पधारे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कुछ समय के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पादुकाएं अपने सिर पर रख ली और प्रभु की सुंदर छवि को अपने हृदय में धारण कर उद्धव जी बद्रिकाश्रम पहुंचे। तपोमय जीवन व्यतीत करके जगत को एकमात्र हितेशी भगवान श्री कृष्ण के उपदेशानुसार स्वरूप भूत उन्होंने परम गति को प्राप्त किया। इसके पश्चात आगे ब्रह्म मुक्ति का वर्णन किया गया है, जिसमें भगवद इच्छा शक्ति से ही जो काल रूप धारण करके भगवान ने जो यदुवंशियों का संहार किया, प्रभास क्षेत्र गए, वहां पे जो ऋषि का श्राप लगा था उसका प्रभाव बढ़ने लगा, एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगे और वो वनस्पति जो थी उससे एक दूसरे को मारने लगे और भगवान काल रूप धारण करके सबका संहार किया। पुष्टि भक्ति मार्ग की परंपरा अनुसार प्रभु की ये जो संहार लीला है, बाकी ये प्रभु तो नित्य विराजित ही हैं, ये तो प्रभु की आसुर व्यामोह लीला है, इसलिए इसका ज्यादा वर्णन नहीं किया जाता क्योंकि आप तो सदा नित्य निरंतर विराज ही रहे हैं। इसके साथ आइए यहीं पे हम ये एकादश स्कंद को पूर्ण कर द्वादश स्कंद में प्रवेश करें। बोलिए श्री भागवत भगवान। द्वादश स्कंद आश्रय लीला। ये जो समस्त स्कंद उपदेश चरित्र आदि मुख्य उसका हेतु भगवद आश्रय ही है कि हमारा आश्रय सिद्ध हो जाए। श्रीनाथ जी का वाम पाणीतल यह द्वादश स्कंद है, आश्रय है। अलग अलग प्रकार के आश्रय के स्वरूप बताए गए हैं, कृष्ण आश्रय, राज्याश्रय, कालाश्रय, साधनाश्रय, मुक्ताश्रय, वेदाश्रय, अलग अलग आश्रयों का यहां पे वर्णन किया गया है। प्रियजनों यहीं पे द्वादश स्कंद में ही आश्रय के साथ साथ कलयुग का वर्णन किया गया है। कलयुग कैसा होगा, कलयुग में मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी होगी, उसकी स्थिति कैसी होगी, और चार प्रकार के जो प्रलय हैं उन प्रलय की चर्चा की गई है। बड़ी सुंदर ये सब कथाएं हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि उन प्रसंगों को देख पाए। लेकिन एक यह कलयुग की कथा का वर्णन करते हुए एक बड़ी सुंदर कथा आती है जो समझने के लिए बड़ी उपकारक है, जो आश्रय का स्वरूप प्रतिपादित करती है, जो आश्रय लीला का सारभूत एक कथा जो आती है, उस कथा का हम श्रवण चिंतन करें। जब प्रभु सुधाम पधारने वाले थे तो पांडवों को कह दिया, आज्ञा करी कि अब कुछ ही समय में कलयुग आने वाला है, बड़े सावधानी से जीवन यापन करना और जो भी कुछ विचित्र दृश्य दिखाई दे वह मुझे आके बताना। भगवद आज्ञा मानकर बड़े सावधानी से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन की बात, बड़ा विचित्र दृश्य एक पांडवों में से एक भाई ने देखा। विचित्र दृश्य देखकर प्रभु के आसपास आकर विनती करी। वो देख रहे हैं कि एक पक्षी उड़ता हुआ जा रहा है, उसके मुख से वेदों के मंत्र हैं, उसके पंख से वेद के मंत्र स्वर प्रकट हो रहे हैं और मुख में मांस का टुकड़ा है।
पंख से वेद की ध्वनि प्रकट हुई है, लेकिन मुख में मांस का टुकड़ा। प्रभु से विनती करी, प्रभु ये बड़ी विचित्र दृश्य देखा, इसका क्या रहस्य है? भगवान कहते हैं ये कलयुग ऐसा ही होगा, बड़े पढ़े लिखे लोग, और वो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे, अपनी जो चतुराई है, अपनी जो विद्या है, अपना जो अध्ययन है, वह चतुराई से केवल अपना स्वार्थ साधेंगे, जनहित का कल्याण नहीं करेंगे, लोगों का कल्याण नहीं करेंगे। ये कलयुग का स्वरूप है, अपनी चतुराई अपनी बुद्धि से केवल अपना ही स्वार्थ साधेंगे। दूसरे ने बड़ा एक विचित्र दृश्य देखा, एक हाथी जिसकी दो सूंड, एक सूंड से तो उसका जो पात्र था उसमें से जल पी रहा था, दूसरी सूंड से क्या कर रहा था, पक्षियों का जो भरा हुआ पानी, उनके पीने के लिए जो पात्र था उसमें से पानी पी रहा था। प्रभु से पूछा, प्रभु इसका क्या रहस्य? भगवान कहने लगे कि कलयुग में जीव ऐसा होगा, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग, बड़े बड़े पदवी पर बैठने वाले लोग, जो अपने हक का तो खाएंगे लेकिन दूसरों के हक का भी खाएंगे, ये कलयुग ऐसा होगा। और ऐसी स्थिति आज कहीं कुछ अंश में हम देख रहे हैं, खुद का तो लेते हैं लेकिन दूसरों के हक का भी खाते हैं। तीसरे ने भी एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा, एक गाय अपने बछड़े को चाट रही थी, चाटते चाटते इतना चाटा कि उस बछड़े में से खून निकलने लगा, वो खून चाटने लगी। प्रभु से पूछा इसका रहस्य, भगवान कहते हैं कि कलयुग में माता पिता ऐसे होंगे, अपने पुत्रों का लालन पालन करने में, उसकी समस्त इच्छाओं पूर्ति करने में उसको बिगाड़ देंगे, लेकिन धर्म के लिए अच्छे संस्कार उसको नहीं देंगे, भगवत सन्मुखता नहीं होगी। ये कलयुग के माता पिता की लाड़ प्यार करते, वास्तव में वो माता पिता ही उसके बेरी हैं, कि जो धर्म के लिए प्रवृत्त न करे, अच्छे संस्कार उसके अंदर न डाले, उसकी समस्त इच्छाएं बस पूरी करें, अच्छी से अच्छी महंगे से महंगे कपड़े ला के दे दिए, महंगे से महंगे मोबाइल ला के दे दिया, महंगे से, आज देखो स्थिति ऐसी है, और बच्चों में संस्कार नदारत है, ये कलयुग की स्थिति है। एक ने बड़ा विचित्र दृश्य देखा, सात कुएं देखे, छह कुएं लबालब भरे हुए, एक खाली, पूछा इसका कारण, भगवान कहते हैं कलयुग में ऐसा ही होगा, जिसके पास होगा उसके पास बहुत होगा धन, और जिसके पास नहीं है उसके पास तो एक समय का निवाला खाने के भी पैसे नहीं होंगे। ये कलयुग में आज हम ऐसी दृश्य हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति दिखाई देती है। पांचवें ने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा, ऊपर पहाड़ से एक बड़ी सी शिला नीचे की ओर गिर रही है, बड़े बड़े वृक्षों को नष्ट करती हुई नीचे की ओर आ रही है, लेकिन एक मामूली से तिनके पर वो बड़ी शिला टिक गई, बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से निकाल दिया लेकिन एक तिनके पर वो शिला टिक गई। प्रभु से विनती करी, प्रभु इसका रहस्य क्या है? भगवान कहते हैं देखो ये जो बड़ी शिला है यह कलयुग का स्वरूप है, और ये कलयुग सब कुछ नष्ट कर देगा, लेकिन जिसके पास मेरे नाम रूपी तृण का सहारा है ये कलयुग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जिसके पास मेरे नाम रूपी तृण का सहारा है ये कलयुग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग सब युगते अधिकाई, कलयुग सब युगते अधिकाई, जा युग में शिवल्लभ प्रकटे सेवा रीत दिखाई। कलयुग ये प्रियजनों सर्वोत्तम युग है, कलौ केशव कीर्तनात्। यानी जितना हो सके कलयुग केवल नाम आधारा, जितना हो सके भगवत नाम का आश्रय बना के रखें प्रियजनों। कलयुग के वर्णन करने के बाद चार प्रकार के प्रलय, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक प्रलय की चर्चा की गई, और अब परीक्षित को अंतिम उपदेश देते हुए श्री सुखदेव महाराज कहने लगे कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनते सुनते परीक्षित सात दिन पूर्ण हो चुके हैं, तो ये निश्चय मान, निश्चय ये जान ले मैं मरूंगा, यह अविवेक पूर्ण धारणा तू छोड़ दे, क्योंकि शरीर मरता है आत्मा मरती नहीं, आत्मा तो अमर है। त्वं तु राजन् मरिष्येति पशु बुद्धिं मिमां जहि न जात प्राग भूतोध देहवत्वं न नक्ष्यसि। आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, सत्य है, और उस आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहक पावक। अपने आत्म स्वरूप को तो निश्चय रूप से जान चुका है, अतः तुम तक्षक से बिल्कुल भयभीत न होना,
तक्षक अपनी जीभ लबलबाता हुआ विष लगाकर तुम्हारे सामने आएगा, लेकिन तुम उससे भयभीत न होगा, अर्थात हमारे सामने काल आ जाए, काल से हम डरे नहीं। वैष्णव काल से डरता नहीं है। मृत्यु तो एक जीवन का सनातन सत्य है, मृत्यु एक अवस्था का नाम है। जैसे मनुष्य जन्म लेता है और जिसका जन्म है उसकी मृत्यु तो उसके साथ निश्चित है। भागवत कथा श्रवण करने का सबसे बड़ा लाभ यह है प्रियजनों, भगवत आश्रय सिद्ध हो जाने से मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। परीक्षित जी महाराज ने गदगद कंठ से सुखदेव जी का आभार प्रकट किया और परीक्षित जी को आशीर्वाद देते हुए सुखदेव जी वहां से पधारे। सुत जी कहते हैं कि वहां एक आसन पर अपने चित्त वृत्तियों को कृष्ण कथा में लगाते हुए प्रसन्न मुद्रा में परीक्षित जी वहां पे विराज रहे थे और वहीं पे तक्षक आया और कब उनके जो प्राकृत जो देह था उसको जला दिया। परीक्षित ने तो जाना भी नहीं, उसी समय परीक्षित का उद्धार हुआ। देवगण पुष्प वृष्टि करने लगे, दुंदुभी बजने लगी। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सूत जी कहते हैं कि यह भगवत कथा के प्रभाव से एक श्रापित जीव भी समर्पित हो गया और फिर आगे चलकर परीक्षित का पुत्र जन्मेजय ने उसने सर्प यज्ञ किया, सर्प योनि नष्ट होने लगी, फिर उनको समझाने में आया, वह यज्ञ बंद किया। इसके पश्चात आगे मार्कंडेय ऋषि को प्रभु के बाल शिशु लीला के दर्शन करने की इच्छा हुई तो भगवान ने उनको वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम, वह वट के पत्र में बाल मुकुंद के दर्शन हुए। ऐसे सुंदर अलौकिक स्वरूप के दर्शन कर मार्कंडेय भी चिरंजी हुए और अब सूत जी भी यहाँ कथा का विश्राम देने जा रहे हैं। यहाँ द्वादश स्कंध के अंत में श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त विषय सूची यहाँ पे बताई गई है एवं विभिन्न पुराणों की श्लोकों की संख्या एवं श्री भागवत की महिमा का वर्णन यहाँ पे किया गया है। इसलिए आचार्यों का ऐसा मत है कि जो सप्तम दिवस की जो कथा का श्रवण करता है, कहीं बीच में एक आध दिन की कथा छूट भी जाए, लेकिन सप्तम दिवस की कथा का श्रवण करने से पूर्ण कथा का फल उसको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे ये भागवत की हुंडी जिसको कहा जाता है, ध्यान दीजिए, सब एकाग्रता से श्रवण करें। प्रथम स्कंद में भक्ति योग का निरूपण, व्यास नारद संवाद के प्रसंग, नारद जी का चरित्र, राजा परीक्षित, श्रृंगी ऋषि का शाप, श्री सुखदेव जी आगमन आदि कथा का वर्णन किया गया। द्वितीय स्कंद योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा नारद संवाद, अवतारों के संक्षिप्त चर्चा तथा महत्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की जो उत्पत्ति होती है, इन सब विषयों का निरूपण किया गया। तृतीय स्कंद में उद्धव और विदुर की भेंट, उद्धव द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन, विदुर जी का मैत्रेय जी के पास जाना, विराट शरीर की उत्पत्ति, ब्रह्मा की उत्पत्ति, मन्वंतर आदि काल विभाग वर्णन, वराह अवतार, जय विजय को श्राप, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के जन्म की कथा, हिरण्याक्ष का उद्धार, श्री कपिल देव जी का प्रागट्य, माता को दिया हुआ उपदेश आदि का वर्णन किया गया। चतुर्थ स्कंद में हमने श्रवण किया स्वयंभू मनु की कन्या के वंश का वर्णन, दक्ष यज्ञ विध्वंस, यज्ञ की पूर्ति, ध्रुव चरित्र, पृथु महाराज का चरित्र, उनके वंश में जन्मे हुए राजाओं का चरित्र, पुरंजन आख्यान, प्रचिताओं का आख्यान, इन सब कथाओं का हमने श्रवण किया। पंचम स्कंद में प्रियव्रत जी का चरित्र, राजा नाभि का चरित्र, ऋषभ देव जी एवं भरत आदि का चरित्र, भवाटवी का वर्णन, भुवन कोश का वर्णन, गंगा जी अवतरण, द्वीपों का वर्णन, सूर्य का रथ और उसकी गति का वर्णन, नरकों की विभिन्न गति आदियों का वर्णन किया गया। षष्ठम स्कंद में अजापिल आख्यान, विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म का निरूपण, दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण किया गया, नारायण कवच का उपदेश, वृत्रासुर वध, मरुद्गण उनकी उत्पत्ति आदि कथाओं का श्रवण हम सबने किया। सप्तम स्कंद के अंतर्गत नारद युधिष्ठिर संवाद, हिरण्याकश्यप का उद्धार, प्रहलाद जी का चरित्र, मानव धर्म,
वर्ण धर्म आदि का निरूपण, गृहस्थ संबंधी सदाचार आदि का वर्णन किया गया। अष्टम स्कंद में मन्वंतर का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन अवतार, मत्स्य अवतार आदि कथाओं का वर्णन है। नवम स्कंद में वेवस्वत मनु के पुत्र की कथा, नाभाग अम्बरीश की कथा, इश्वाकु वंश का वर्णन, राजा त्रिशुंग हरिश्चंद्र की कथा, सगर के चरित्र, गंगा अवतरण, भगवान श्री राम के लीलाओं का वर्णन, राजा निभि के वंश का वर्णन, चंद्रवंश आदि का वर्णन किया। और दशम स्कंद में प्रमुखता से भगवान श्री कृष्ण का जन्म एवं उनकी अनेक विविध लीलाओं का, प्रभु के विचित्र लीलाओं का वर्णन किया गया, उसका हमने श्रवण किया। एकादश स्कंद यदुवंश को ऋषियों को जो श्राप लगा भगवत इच्छाओं से, उस कथा का निरूपण किया। नव योगेश्वरों का संवाद, अवधूतोपाख्यान, हंस के रूप में सनकादि को दिया गया उपदेश, वर्णाश्रम धर्म निरूपण, भागवत धर्मों का निरूपण एवं यदुकुल संहार, शिव भगवान का सुधाम गमन करना, इन सब लीलाओं का वर्णन किया गया। द्वादश स्कंद में कलयुग के राजा कलयुग की स्थिति का वर्णन, कलयुग में धर्म, चार प्रकार के प्रलय, परीक्षित के परम गति, वेदों की शाखा का भेद, मार्कंडेय जी की तपस्या, माया दर्शन और भगवान के अंग उपांग आदि का वर्णन एवं साथ ही विविध पुराणों के श्लोकों की संख्या आदि का वर्णन यहाँ द्वादश यानी बारहवें स्कंद में किया गया है। श्रीमद् भागवत की महिमा प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि यह सारे उपनिषदों का सार है, जिसने इसके कथारस का पान कर लिया उसे अन्य पुराण श्रवण की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में विष्णु और वैष्णव में श्री शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है। श्रीमद् भागवत भगवत तत्व ज्ञान का श्रेष्ठ प्रकाशक है प्रियजनों, इसकी तुलना में और कोई भी पुराण नहीं आ सकता। अब यहां श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद के अंतिम दो श्लोकों में उपसंहार के रूप में यहां पर प्रस्तुत किया गया है, जिनमें भागवत वक्ता एवं श्रोता के लिए अमर संदेश दिया गया है कि भागवत श्रवण के बाद सांसारिक ऐषणाओं के प्रति निष्काम बन जाना चाहिए। भागवत कथा श्रवण के बाद एक ही कामना कीजिए कि उसी में सच्चा सुख है, और वह है केवल और केवल भगवत आश्रय। भागवत श्रवण करने के बाद इस प्रकार की कामना जागृत हो जानी चाहिए, और इसी भगवान के प्रति समर्पित भाव को प्रकट करते हुए यहां दो श्लोकों में यह भाव प्रतिपादित किया गया। भवे भवे यथा भक्ति ही पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। और अंतिम श्लोक में, और ऐसा नियम है कि यह जो अंतिम श्लोक है उसको तीन बार हम सबको गान करना चाहिए, तो आप सब सावधान होकर तीन बार हम बोलेंगे, तीन बार आप पीछे पीछे दोहराएंगे, कि जिसके द्वारा वक्ता या श्रोता के द्वारा ये सात दिन में जो भी कुछ अपराध जाने अनजाने हुए हों उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो प्रेम से सब जने, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन स्तम नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन स्तम नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन स्तम नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जिनका नाम संकीर्तन करने से, श्रवण आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, दुखों का शमन करने वाले हरि जो हरण करे दुखों का,
उन हरीश के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस प्रकार से यह अंतिम श्लोक आश्रय का विवेचन करते हुए यह द्वादश स्कंद स्थापित किया गया है। यह 12 स्कंद श्रीनाथ जी के 12 अंग स्वरूप, श्रीनाथ जी का वांग्मय स्वरूप, वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत को मानसिक रूप से कोटानुकोटि दंडवत प्रणाम करते हुए तथा गुरु के चरणारविंद में दंडवत प्रणाम करते हुए, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए यह द्वादश यानी 12वें स्कंद को प्रियजनों यहीं पे विश्राम लेते हैं। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादश सहस्त्रां पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कंदे त्रयोदशोऽध्याय इति द्वादश स्कंद समाप्तः संपूर्णोऽयं ग्रंथः। श्रीमद्भागवत के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं भी बस अपनी वाणी को, अपने शब्दों को विराम की ओर ले जाऊं, अपनी वाणी को विराम दूं। उससे पहले महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी गुरु की कृपा से, जिनके द्वारा यह सुंदर पुष्टि भक्ति मार्ग और जिनकी कृपा से यह भगवद सेवा का आनंद हम सब वैष्णवजन ले पा रहे हैं, ऐसे महद जगतगुरु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए श्री गोपीनाथ जी, श्री गुसाई जी, श्री यदुनाथ जी, जय जय श्री रमन प्रभु, बड़े ताज जी श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज श्री, ताज जी श्री गोविंद लाल जी महाराज श्री एवं यहाँ मंचस्थ विराजमान गुरुवर्य पूज्य श्री पितृचरण समुपस्थित मातृचरण, आप महद स्वरूपों के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आप आचार्यों की कृपा से, महतों की कृपा से, आपके कृपा बल सामर्थ्य से ही ये 7 दिन मैं कुछ अपनी वाणी को पवित्र कर पाया, ये वाणी की मैं सेवा कर पाया। प्रियजनों, बाकी मेरी कोई योग्यता नहीं है कि यह श्रीमद् भागवत सुबोधिनी जी को मैं कुछ बोल पाऊँ। केवल और केवल बड़ों की कृपा, गुरुजनों की कृपा, महद आचार्यों की कृपा, महताम कृपया यावद भगवान दय इष्यति। जब महतों की कृपा होती है, जय जय श्री आज्ञा करते कि हमको महत करके जान लो, कि जो ठाकुर जी के पास ले जाए वो महत, तो आप आचार्यों की कृपा, पूज्य श्री पितृचरण, पूज्य श्री भातृचरण और आप आचार्य परिवार की कृपा बल से ही प्रियजनों ये 7 दिन में अपनी वाणी को पवित्र कर पाया, ये भागवत में कह पा रहा हूं। भागवत की प्रेरणा करने वाले, आज्ञा प्रदान करने वाले, प्रोत्साहित करने वाले, मार्गदर्शन देने वाले, किस प्रकार से कथा का निरूपण होना चाहिए यह समझाने वाले प्रेरणा स्रोत पूज्य श्री दादाजी पितृचरण के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। क्योंकि भागवत के प्रति प्रीति जो जागृत हुई है, जो भागवत को कुछ हम कह पा रहे हैं, तो पूज्य श्री दादाजी की ही कृपा है। यहाँ के पीछे आपने ही हमें उस प्रकार का अध्ययन, उस प्रकार की व्यवस्थाएं कुछ आपने कृपा करके हमको, हमारे परम वैष्णव से परम शास्त्री गोलोकवासी पूज्य श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी दादाजी, उनको अभी मैं स्मरण करता हूँ कि पूज्य श्री पितृचरण दादाजी की कृपा से परम वैष्णव परम विद्वान ऐसे श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी दादाजी 16 भागवत विद्यापीठ अहमदाबाद, जहाँ पे कई ऋषि कुमार विद्याध्ययन साहित्य वेदांत व्याकरण आदि आज भी पढ़ रहे हैं, और वह पूज्य कृष्ण शंकर शास्त्री जी दादाजी की हमको शरण में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। पाठशाला का जो जीवन है वो जीवन हमने वहाँ पे देखा पूज्य श्री पितृचरण की कृपा से, कि जो ये पढ़ते हैं बांचे के पाठशाला ऋषि कुमार, ये जीवन कैसा होता है,
तो वह जीवन का अनुभव करने का हमें अवसर पूज्य श्री दादाजी पितृचरण की कृपा से प्राप्त हुआ, और वहीं पे भागवत के प्रति एक निष्ठ प्रीति, एक भाव जागृत हुआ, और आपसी की कृपा से ही आज मैं अपनी वाणी यह श्रीमद भागवत, बाकी श्रीमद भागवत को बोलना एक एक श्लोक बड़ो क्लिष्ट है भैया, बहुत विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा श्रीमद भागवत में होती है, ये कोई साधारण विषय नहीं है भागवत को कहना, यानी मैं बिल्कुल अपना इसमें सामर्थ्य नहीं मानता, मैं तो मूढ़ हूं, लेकिन महताम कृपया यावत भगवान दयिष्यति, जब महतों की कृपा होती है तब भगवान उस जीव पर दया विचारते हैं, तो मुझ पर तो आप सब आचार्यों की कृपा है, आप आचार्यों की कृपा, पूज्य श्री पितृचरण की कृपा, पूज्य भातृचरण की कृपा, हमेशा मुझे वह प्रेम भाव प्रोत्साहन मार्गदर्शन आप आचार्यों का मिलता रहा हुआ है। पूज्य श्री ज्येष्ठ भातृचरण के लिए भी हृदय से कृतज्ञ भाव प्रकट करता हूँ, और ये आचार्य मंच से यही विनती करता हूँ कि बस आपका जो प्रेम महोत्सव के सर्वाध्यक्ष परम पूज्य पितृचरण के युगल चरणारविंद में कोटान्य कोटि दंडवत प्रणाम। परम पूज्य श्री मातृचरण के युगल चरणारविंद में कोटान्य कोटि दंडवत प्रणाम। आचार्य पीठ पर विराजमान चिरायुष्यमान श्री गोवर्धनेश जी महोदय श्री एवं श्री पुरुषोत्तम धाम बैठक मंदिर सेवा समिति के सभी कर्मनिष्ठ कार्यकर्तागण एवं आप सब धर्म प्रेमी भगवद चरण अनुरागी सत्संग रसिक आत्मीय स्नेही वैष्णववृंद, बहुत कुछ पूर्व में ही आचार्य पीठ से कहा गया और हम सबन ने बड़े ही एकाग्र चित्त से श्रवण भी किया। पुष्टि माधुर्य महोत्सव की यह अष्ट दिवसीय यात्रा का आज मानो एक विराम है। यात्रा यहां पूर्ण नहीं हुई है, यहां हमें केवल फुल स्टॉप नहीं लगाना, ये तो केवल एक अल्प विराम है। मानो अब आज से हम सबन की यात्रा प्रारंभ हुई है। कई अज्ञानी जीव यो मान के बैठे हैं कि 8 दिवसीय कार्यक्रम हतो और ये 8 दिवसीय कार्यक्रम महोत्सव आज पूर्ण हो गयो, कल से अब बस घर में नहीं। आज से ये यात्रा को प्रारंभ है। अब तक तो हम 8 दिन तक तो बड़े अच्छे रहे, क्यों? क्योंकि यहां भागवत जी को सानिध्य है, तो श्री वल्लभ को सानिध्य है, तो अब कल से क्या होएगो? अब कल से आप सबन की परीक्षा है, कल से प्रारंभ है ये यात्रा को। ये बैठक मंदिर को निर्माण को उद्देश्य केवल भगवत दर्शन ही नहीं है, भगवत दर्शन के साथ साथ वैष्णवी संस्कार से वैष्णव सिंचित होवे, वैष्णव को परिवार
और वैष्णव के परिवार में छोटो बालक भी वैष्णव बने, ये उद्देश्य ये बैठक मंदिर को है। अभी पिछले 6-7 दिन से छोटे छोटे बालक लालन बेटी जी के साथ हम देख रहे थे कि कितने छोटे छोटे बालक, कम से कम 25 से 30 पूरी उनकी तो मंडली तैयार हो गई। जैसे वो ठाकुर जी की वो मंडली थी, ऐसे ही हमारे जो बालक लालन ने सब हैं। और लालन को तो कल जा रहे थे तो इतनो रो रहे थे कि मेरे सब मंडली कहाँ मिलेगी मोकू। तो ये जो वैष्णवी बालकों के जो संस्कार है कि बल्लभ के साथ रह रहे के वो भी वैष्णव बने, वा उद्देश्य से ये बैठक मंदिर को निर्माण है कि हम केवल अकेले नहीं आवे, हमारे छोटे में छोटो बालक भी परिवार को ठाकुर जी के गुरुदेव के सन्मुख होवे। और हमारी तो ऐसी भी योजना है कि आगे जाके बाल पुष्टि पाठशाला भी यहाँ प्रारंभ हो, कि जहाँ वैष्णवन को, वैष्णवन के बालकन को वैष्णवी संस्कार को सिंचन ये पाठशाला में वैष्णवन को प्राप्त हो गए। तो प्रियजनों, निर्माण तो अब हो गयो, अब बस केवल अब हमारे हृदय के भाव को निर्माण हमें करना है, अधिक से अधिक भाव के साथ, अधिक से अधिक मनोरथन के साथ, अधिक से अधिक ताप के साथ नित्य प्रतिदिन मंगला श्रृंगार राजभोग उत्थापन भोग संध्या और शयन के दर्शन को लाभ हमको लेना है। एकादशी में जब ताजी महाराज के चरण स्पर्श को लाभ वैष्णव को मिले, तो प्रति एकादशी हमको आग्रह रखनो है। ऐसो नहीं कि पिछली एकादशी तो हमने किए थे, हर एकादशी को नियम हमको रखनो है। ऐसो नहीं कि पिछली बार किए या बार नहीं करेंगे तो चलेगो। सवेरे भोजन करें तो शाम को वापिस भोजन करें कि नहीं करें, ऐसे ही प्रति एकादशी हमको हमारे गुरुदेव ताज चरण के चरण स्पर्श को नियम आज से ही लेनो है। कौन कौन नियम लेवे तैयार है, हाथ ऊंचे करो। चलो, हर एकादशी को मैं आऊंगी ताज चरण के चरण स्पर्श दंडोत, मैं अपनो जीवन, ये अवसर है प्रियजनों जो आपको प्रति एकादशी मिल रहे है। सबनते श्री वल्लभ नाम भलो, याही में गोकुल, याही में वृंदावन और याही में ब्रज मंडलो, सबनते श्री वल्लभ नाम भलो। हमारे लिए तो यही गोकुल है, हमारे लिए तो यही ब्रज मंडल है, जहां हमारो गोपाल और जहां हमारे पुरुषोत्तम प्रभु। तो ये पुरुषोत्तम धाम बैठक मंदिर को निर्माण, और ये निर्माण के पीछे को जो परिश्रम है, अभी आचार्य पीठ से सबन के लिए चिरायुष्मान गोवर्धनेश जी ने बड़ी सुंदर बात करी कि समिति के सभी कार्यकर्ता गण, और क्योंकि ये यात्रा आज की नहीं है, ये कोई ऐसे ही निर्माण नहीं हो गयो, ये यात्रा आज से 4-5 वर्ष पहले से प्रारंभ हो गई है। और तब से ये सबन को मनोरथ कि भाई पुरुषोत्तम धाम को निर्माण करना है, बीच में कई अवरोध भी आए, पर ताज चरण को ऐसो कृपा बल हतो कि कितने भी कष्ट आए, कितने भी अड़चने आई, पर सब के सब दूर हो गए। ये गुरुदेव की कृपा है। और मैं तो अपने आप को भी बड़ो भाग्यशाली मानू कि मध्य प्रदेश के ये मुरैना के विषय में बड़ो सुनो हो तो, और यहाँ के जो भी वैष्णव हैं, जब जब ब्रज में यात्राएं होती, क्योंकि 2008, 2012 और 2018 तीन यात्राएं अपनी भई दादाजी के अध्यक्षता में, और जब जब यात्राएं भई तो हमें वो जो सुरक्षा वाले, हम मैंने तो यही मेरे तो मन में, क्योंकि मैं यहाँ मुरैना कभी आयो ही नहीं, और जब भी यात्राएं होती तब मुरैना के वैष्णव आते वो लठ लेके और बंदूक लेके, तो मोकू तो मन में यही था कि भाई यहाँ के वैष्णव यानी बंदूक वाले वैष्णव,
मन में यही सोच रखो जो मुरे ना बंदूक की जरूरत पड़े तो मुरे ना ऐसे बुलाओ। लेकिन जब यहां पहली बार, क्योंकि ये जब निर्माण कार्य को ये दर्शन बाबा ने प्रारंभ करो और वही निमित्त बने, दर्शन बाबा ने ही ये एक सुंदर एक योजना बनाई और वही निमित्त बने और ये एक सुंदर स्थान प्राप्त भयो और निर्माण कार्य प्रारंभ भयो और वाक्य भी बहुत बाद निर्माण भी शुरू हो गयो। सबसे पहले तो ये भूमि पूजन में आए और वाक्य तो निर्माण के बाद यहाँ पे पधारनो भयो बीच में एक दो बार देखवे के लिए और तब सब वैष्णव इनसु मिलनो सब सु परिचय भयो। कई इनके तो नाम ही मुकू पतो नहीं, मेरो नाम सबन को पतो कि भाई ये दर्शन बाबा के बड़े भाई हैं पर मुकू कोई को नाम पतो नहीं। और फिर यहाँ आए सबन सु मिले कि भाई ये वो पाठक जी हैं कि भाई ये राधा वल्लभ जी हैं, ये नंदू जी हैं, ये राजकुमार जी हैं कि भाई ये पहलवान जी हैं कि ये कौन से जी हैं, एक एक करके ये शिवचरण जी हैं जहाँ मुकाम रहते। तब जाके सबन के नाम जीवा पे चढ़े और इतनो स्नेह सबन को मिलो और इतनो सुंदर सबन की समिति को जो संगठन गोवर्धनेश जी ने दर्शन बाबा ने करो। मैं आज ही राजभोग के बाद मैं कह रहे हो तो मैं कितने भाव वाले वैष्णव हैं, कितनो इनको समर्पण है। जैसे आज्ञा करें हाथ जोड़ के खड़े हो जाए, हाँ जे हाँ जे हाँ जे हाँ जे, उनकी ऐसे वैष्णव मिले नहीं, ऐसे वैष्णव दुर्लभ हैं जो हाथ जो आज्ञा जो आज्ञा जो आज्ञा ऐसो कहवे वारो कौन मिले। तो मुकुद इतनी प्रसन्नता है कि ऐसी सुंदर माला ये दर्शन बाबा ने, जैसे कि कोई मोती की माला बनावे, वो माला सबन को दिखे पर वो माला बनाओ नार कौन। ऐसी सुंदर माला कहीं हमको बाजार में दिखे तो माला के हम गुण गावे, अरे कितनी सुंदर ये माला है, कितनो सुंदर ये सोने को हार है, कितनी सुंदर ये मोती की माला है, एक एक मोती जोड़ जोड़ के माला बनाई। लेकिन वो बनाओ वारो जो सुनार है जो कारीगर है वो दिखे नहीं है। मैं तो धन्य कहूँ ये ताज चरण की ही कृपा, ये दादाजी के दर्शन बाबा को आशीर्वाद है कि इतनी सुंदर ये समिति की माला बनाई है। एक एक मोती जोड़ जोड़ कर, कोई हरो मोती है, कोई लाल मोती है, कोई को क्रोध ज्यादा आवे वो लाल मोती, तो एक एक मोती जोड़ कर। कई बार हम पाठक जी कहें कि पाठक जी आप तो परशुराम, तो पाठक जी कहें वो मेरो स्वरूप है नहीं पर मुकु कई लोग प्रकट कर दें, वो सही बात है। और अभी दर्शन बाबा ने भी बड़ी सुंदर बात कही कि भाई सभी भांति के वैष्णव मिले, कि भाई कदा छोटो मोटो मन मत भेद होवे भी सही पर मन भेद कभी नहीं होना चाहिए। हमारी ये समिति ऐसी ही है कि सबन में इतनो प्रेम भाव और प्रसन्नता, क्योंकि ये कार्य कोई व्यक्ति विशेष को नहीं है, ये कार्य श्री वल्लभ को कार्य है, ये कार्य ठाकुर जी को कार्य है, ये कार्य अपने गुरु को है, ये कोई व्यक्ति विशेष को कार्य नहीं है, ये कोई को पर्सनल कार्य भी नहीं है, ये कार्य हमारे गुरु को है। तो कोई हमको कटु वचन कह दे तो सुन लेनो। तो बस मैं तो अधिक कछु कहूंगो नहीं, अपने भाग्य की सराहना करूं कि मोकू भी ये मुरना के दर्शन हो गए, मोकू भी ये मुरना के वैष्णवन के दर्शन हो गए। नहीं तो मेरो जो कार्य क्षेत्र है वो सौराष्ट्र है, गुजरात से आगे को वहां मेरो ज्यादातर प्रवास होवे, दिल्ली जानो होवे, पंजाब होवे, पर मध्य प्रदेश जो है वो दर्शन बाबा ज्यादातर पधारे, छोटे छोटे सब गाँव में भ्रमण करें और इतनो सुंदर ये सब कार्य भयो है। तो मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानूं कि यहाँ इतनो रहवे को, और ये 7-8 दिन तो ऐसो ही लगे माने ब्रज में ही हैं। तो बस यही प्रसन्नता व्यक्त करते भय अधिक से अधिक वैष्णव बस ये बैठक मंदिर से जुड़ते रहें, पूरो अपनो ये मुरैना गांव बैठक मंदिर से जुड़तो रहे, बस यही भावना के साथ मैं पुनः 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 चिरायुष्मान गोवर्धनेश जी,
उनके लिए तो जितनों कहें, अब आपको तो ये लोग कोई घर घर की बात है, घर घर में ऐसो नहीं है, उनको कार्य ही ऐसो है कि उनने इतनो सुंदर ये निर्माण कार्य ताजचरण के आशीर्वाद सु पितृजन की कृपा बलसु ये संपन्न कियो। और बस एक बड़े भाई होते मैं तो खूब उनको साधुवाद और आशीर्वाद दूं कि उनके द्वारा ये अपने ये मध्य प्रदेश क्षेत्र में अधिक से अधिक ऐसे निर्माण कार्य होते रहें, अधिक से अधिक वैष्णव अपने मार्ग से धर्म से जुड़ते रहें, बस यही उनको मैं खूब खूब हृदय की प्रसन्नता के साथ शुभ भाव प्रकट करते हुए समिति के लिए भी अब बार बार मुको भी बुलाइयो थोड़ो थोड़ो ऐसी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए। बस ये अपनों सबन को ही है ये बैठक मंदिर, यही भावना के साथ बुलानो क्यों है मेरा, मैं तो आता ही रहूंगो अधिक से अधिक जरूरी का है। हाँ, तो बस अधिक से अधिक अपन सब मिलते रहें यही भावना के साथ मैं अपने वाक पुष्प श्री गोपाल प्रभु के युगल चरणारविंद में समर्पित करूँ। साईं जी परम दयाल की, श्री श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की, श्री गिरिराज धरन की, श्री गोपाल लाल प्यारे की, श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज की, श्री गोविंद लाल जी महाराज की, बोलो गौ माता की। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडयति यो यतः निसाधन जनोद्धार करण प्रकटीकृतः गोकुलेश स्वरूपः श्रीवल्लभ शरणं मम पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। उपस्थित मंचासीन चिरायुष्मान हरिराय जी बाबा, आचार्य पीठ पे विराजमान चिरायुष्मान गोवर्धनेश जी दर्शन बाबा, हमारे परम सेवानुरागी माइक को संचालन करते गोकुलचंद जी, सब कीर्तनिया मंडली, श्री पुरुषोत्तम धाम बैठक मंदिर के परम सेवानुरागी परम उत्साही सक्रिय समिति के सभी कार्यकर्तागण, हमारी सेवा में आए भय गुजरात मध्य प्रदेश जहाँ जहाँ से आए भय सभी वल्लभी वैष्णवगण और विशेष करके आप सब श्रीमद् भागवत कथामृत को रसपान करवे, सात सात दिन से आप बैठे भय सभी वल्लभी वैष्णव समाज, बहुत ही आनंद बहुत ही प्रसन्नता को
ये अवसर केवल मोको मिलो ऐसो नहीं है, हमको मिलो, अपन सबको मिलो है, मिलो के नहीं, हाँ के ना, सबको मिलो है। क्योंकि अच्छे अवसर जीवन में भगवत कृपा से ही मिलते हुए हैं। ये जो मंगल अवसर, ये जो अलौकिक अवसर, ये बोर्ड पे जो लिखो पुष्टि माधुरी महोत्सव, ये या को फल हमारे तात चरण नित्रिलास्ति पुरुषोत्तम लाल जी महाराज श्री की कृपा से ही हमको सबको मिलो है। बोलो श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज की। नाम भी कितनो सुंदर है, पुष्टि माधुर्य महोत्सव। पुष्टि अपनो मार्ग ही पुष्टि मार्ग है, कृपा मार्ग है, स्नेह मार्ग है, समर्पण को मार्ग है, दीनता को मार्ग है, निस्साधनता को मार्ग है, और ये विशेष करके सेवा करवे को मार्ग है। माधुर्यता जीवन में माधुर्यता होनी चाहिए। आज कोई बात करते करते जो हंसते हंसते बात करे तो अपन को बहुत अच्छा लगे, लगे कि नहीं लगे? और कोई गुस्सा में बोलते हो तो कैसा लगे? तो ये माधुर्यता हमारे सबके मुखमंडल पे रहे, प्रसन्नता सबके मुखमंडल पे रहे। और ये प्रसन्नता या की है कि यहाँ मुरैना गांव में श्री पुरुषोत्तम धाम बैठक मंदिर प्रकट हो चुकी है, दर्शन और सेवा को लाभ प्राप्त हो रहे हो है। पहले कहते होएगो, अब तो हो रहे हो है। और सेवा बताई नहीं जाती है, सेवा चुन ली जाती है। और हमारे प्रभु चरण से विट्ठलनाथ जी तो आज्ञा करते कि जाको कछु शोक होए वो या पुष्टि मार्ग में आवे। और ये शोक होए तो पुष्टि मार्ग में आवे, कोई फूल की माला की सेवा करे, कोई भंडार की सेवा करे, कोई सोहनी की सेवा करे, कोई वस्त्र सिद्ध करवे की सेवा करे। जाके पास जो कला है, जाके पास जो गुण है, वो गुण और कला को प्रभु में विनियोग करावे तो ही वो गुण और कला की सार्थकता है। और ये श्रीमद् भागवत तो महासागर है, जीवन कैसे जीनो ये तो हमको रामायण बतावे, लेकिन मृत्यु को कैसे सुधारनी वो हमको श्रीमद् भागवत जी बतावे है। जन्म तो हो गयो लेकिन हम हमारी मृत्यु को कैसे सुधार लें, हमारे स्वभाव को कैसे परिवर्तन कर लें, हमारी दिनचर्या को कैसे परिवर्तन कर लें, वो सब अपने ऊपर है। सुन के जीवन में उतर जाए। मुझको तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि मुरैना गांव के जितने भी ये श्रोतागण यहाँ आसपास के भी बैठे हुए हैं, सबके हृदय में ये श्रीमद् भागवत जी हृदय में उतर गई है। केवल सुन के बाद वो हृदय में उतर गई कि अब तो हमको जो हमको आज्ञा भई है, जो हमको बताया गयो है, जो हमको सिखाया गयो है, जो हम सीख पाए हैं, वह अनुसार हमारो भक्ति और सेवा में हमारो अब जीवन बना लेना चाहिए। आज ये प्रसन्नता भाई कि आज कमेटी के कार्यकर्तागण सेवा में आए, उनको पूरो परिवार महिला मंडल बालकन भी आए तो हमको देख के बहुत ही प्रसन्नता भाई। चिरायुष्मान अभी हरिराय जी ने सभन को कही कि बाल पुष्टि पाठशाला यहाँ खोली जाएगी, और ऐसी ही बाल पुष्टि पाठशाला बरसंसु गुजरात में सूरत में पुष्टिधाम हवेली में चली रही है, वहां गौशाला भी है हमारे, तो ऐसी बाल पुष्टि पाठशाला भी यहां चलेगी जिससे बच्चों को अच्छे संस्कार माता पिता नहीं दे पाते वो यहां मिलेंगे उनको। गुजराती में एक छोटी सी कविता आवे
सवारे पथार सवारे प्रभाते पथारी तजिदो भजिलो ब्रजादीश पादार बिंदो सदा सत्य बोलो सदाचार पाड़ो स्वमार्ग सिद्धांत है ये उतारो। पुष्ट मार्ग के जो सिद्धांत हैं उसको हृदय में धारण करो, अपने कर्तव्य में लाओ। बहुत अपने रिश्ते अपन जी लिए, लेकिन अब हम पुष्ट मार्ग वैष्णव श्री वल्लभ चरणानुरागी हम बने हैं, तो अब तो हमारा जीवन सेवामय जीवन हमको व्यतीत करना है। यहां सेवा करके पूरो नहीं हो, ध्यान रखियो प्रियजनों। ब्रह्म संबंध के पश्चात जो दो सेवाएं हमको बताई हैं, जो नाम सेवा और स्वरूप सेवा। नाम सेवा में आप भगवत नाम लो, षोड़श ग्रंथ के पाठ करो, सत्संग करो, भगवत नाम लो। और दूसरा है स्वरूप सेवा, आप अपने घर में भी ठाकुर जी को सेव करवाओ और तन से मन से धन से उनको लाड लड़ाओ। सेवा में सो समय मिले तो यहाँ से पुरुषोत्तम धाम में श्री गोपाल लाल जी की सेवा करवे आप सबको आमंत्रित है। बशर्त यह है कि उसको गले में तुलसी की माला ब्रह्म संबंधी वैष्णव होना चाहिए। असमर्पित असदालाप अन्यास मुखरता दोष से दूर होना चाहिए। श्री महाप्रभु जी के चरण कमल को आश्रय सच्चे भगवती वैष्णवन को संग भागवत और सुबोधिनी को पठन कर पाठन करवे वारो और अष्ट सखा की वाणी को गुणगान करवे वारो वैष्णव होना चाहिए। ऐसो वैष्णव होए तो वो भगवत सेवा भाव और प्रेम सु करे, वहां में आपको उद्वेग नहीं होए, कंटाला नहीं आवे। ये पुरुषोत्तम धाम बैठक मंदिर को निर्माण ताज चरण ने हमको हृदय में प्रेरणा करी, आज्ञा करी कि तू या क्षेत्र के अंदर तो को ऐसो दाता भी मिल जाएगो कि जो भूमि को दान करेगो और यहां से पुरुषोत्तम धाम को निर्माण भी हो जाएगा और वहां हम विराजेंगे। तो आपसे की प्रेरणा से, आपसे की आज्ञा से, आपसे के आशीर्वाद से ये हमारे दोनों आत्मजों ने खड़े पाम सेवा करके ये पुरुषोत्तम धाम को निर्माण किया है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दो हाथों से बजती है, बजाने नहीं है। तो ये हमारे दोनों आत्मजन ने मार्गदृष्टा चिरायुष्मान हरिराय जी रहे और कार्य में प्रवृत्त गोवर्धनेश जी दर्शन बाबा रहे। केवल हमारे हृदय को जो भाव, हृदय को जो मनोरथ हतो ये हमारे दोनों आत्मजन ने आज ये सिद्ध करके बता दियो है। इनकी सेवा में मनोरथ आदि करवे में, सत्संग में, प्रवचन में विशेष रुचि है श्री राय जी महोदय की। और चिराय श्रीमान गोवर्धनेश जी के तो आप सुन ही रहे हो, यदा यदा वाच वाक वाणी जाति कुल प्रमाणम, उनकी वाणी में ही उनका परिचय है। एक एक प्रसंग अद्भुत अद्भुत प्रसंग सुनवे को मिले। 7 दिन की कथा में कोई लौकिक बात नहीं आई। 7 दिन की ये कथा में श्रीमद भागवत और सुबोधनी जी आई है कि नहीं? हाँ के ना? मैंने तो जो अनुभव किया वो कहता हूँ, खाली खाली प्रशंसा करवे की आदत नहीं है। जो सुनियो मैंने, ये 7 दिन की ये कथा में, कथा तो बहुत जगह सुनता रहता हूँ, स्वयं भी पाठ आदि भगवत कृपा से जो करवाते हैं शिवल्लभ जो करता रहता हूँ, लेकिन कि मेरे आत्मज हैं इसलिए प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इन्हों के मुख से जो वाग्पति महाप्रभु जी ने जो जो बुलवाया है वो सिद्धांत के साथ कहा है इन्होंने, सुबोधनी जी के साथ इन्होंने कहा है और सुमत भागवत रसपान आप सबको करवाया है, मैंने भी किया है। इनको बहुत बहुत शुभकामना रखता हूँ। हरिराय जी के लिए भी कि जिन्होंने भी अपने कार्य कुशलता प्रकट की, जैसे इन्होंने अभी यात्रा का उल्लेख किया 2008, 2012, 2018 में ब्रज यात्रा करना कोई सहली बात नहीं है। प्रेरणा आचार्यों के द्वारा ही हमको मिली, पर इस कार्य को, हमारी आज्ञा को इन दोनों आचार्यों ने उठा लिया और विशेष करके हरिराय जी ने ये पूरी ब्रज यात्रा का संचालन इन्होंने किया। और आज भी यहाँ पर भी श्री गोपाल
श्री पुरुषोत्तम धाम बैठक मंदिर में गोपाल प्रभु का सेवा साहित्य श्रृंगार साहित्य सभी मार्गदर्शन देकर के श्री राय जी ने सिद्ध करवाया। ये मैं देख रहा हूं उनकी रुचि विशेष करके प्रभु को श्रीअंग की सेवा में, ठाकुर जी को लाड लड़ा में, ठाकुर जी को सुख कैसे पहुंचे उसमें विशेष है। क्यों न हो, ये पुरुषोत्तम लाल जी महाराज जी का परिवार है। ताजी महाराज जी की जो प्रेरणाएं हमको मिली है, जो संस्कार हमको बचपन में मिले, मैं छोटा सा था, आपसे कड़ी पधारे थे, फिर मैं बहुत रोया कि मुझको आपके साथ जाना है, तो भाभी जी ने कहा या को ले जाओ, उतनी बहुत है, या को रखियो आप। बचपन में बाल्यकाल में आपके चरणों में रहने का मुझे अवसर मिला था, बाल मंदिर पाठशाला आदि आप की कृपा से मुझे मिलते थे, आपसे के चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिलता था। आपसे ने कहा कि या को यज्ञोपवीत संस्कार हम कोटा में करवाएंगे, और आपसे ने कोटा में ही 13 वर्ष की उम्र मेरी थी तब यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। मुझे दो प्रकार की दीक्षाएं आपसे ने दी, एक गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और एक आत्मनिवेदन ब्रह्म संबंध की दीक्षा दी। इसलिए मेरे गुरु भी श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और ये पुरुषोत्तम धाम के निर्माण कार्य में जो भी श्री हराय जी के द्वारा मार्गदर्शन वैष्णवों को कार्यकर्ताओं को दिया गया, कि गोवर्धनेश जी के द्वारा कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया गया, मैं तो इतना ही कहूँगा जो जो भी आपको मार्गदर्शन दिया गया है दोनों आचार्यों के द्वारा, आप उनका संपूर्ण पालन करना, क्योंकि ये सर्वजन हिताय है, सर्वजन सुखाय है, वैष्णव हिताय है, वैष्णव सुखाय है। यहाँ में हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम तो वैष्णवन की सेवा करने के लिए उपस्थित हैं, तो ये हमारी वैष्णव की सेवा है कि वैष्णव को मंदिर की तरफ दौड़ते करते हैं, जल्दी जाओ दर्शन करो सेवा करो ताजी महाराज जी की झाड़ी चरण स्पर्श करो। जब ऐसा समय आ जाएगा बहुत तो फिर नित्य को कर्म रखेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में प्रति एकादशी के दिन, एकादशी के दिन मन की शुद्धि, विचारण की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, व्रत आदि करते हैं अपन, स्नान आदि करते हैं, भगवत नाम आदि लेते हैं, उस दिन आपको ये सेवा का अवसर आपको प्राप्त होगा। मैं भी यहाँ रोज सवेरे संध्या में बैठता तो वैष्णव को पूछता मैं आपको कृष्णाश्रय आता है कि नहीं, तो कहते कि नहीं आवे, तो चलो मैं बुलवाऊँ, तो मैं बुलवाऊँ पीछे पीछे। वैष्णव प्रतिदिन बोलते थे एक बार दो बार तीन बार चार चार बार कृष्णाश्रय का पाठ कर बुलवाते थे और बोलते थे। ऐसी मेरे मन में भावना आई कि लघु पुस्तिका पाठ के मैं यहाँ मंगवाऊँगा और यहाँ कार्यालय में रहेगी, जो वैष्णव उसको लेना चाहेगा वो ले सकेगा, लेकिन बशर्त नियम यह रहेगा कि जब भी पुरुषोत्तम धाम बैठक मंदिर में दर्शन करवे आवे तो जेब में और कछु नहीं, लेकिन पाठ की पुस्तक तो होनी चाहिए। भले भेंट धरवे के पैसा रखने हो तो भले रखो आप, लेकिन आप पाठ की पुस्तक और कुछ भी ऐसी कोई व्यसन वाली चीज लेके जेब में रख करके यहाँ मत आइयो। तो कितने को कई प्रकार को व्यसन हो है, तो ये व्यसन वाली वस्तु कोई भी मंदिर में लेके ना आए, केवल पाठ की पुस्तक लेके आप मंगला में आओ कि कोई भी समय में आओ, जब आप में सुकृष्णाश्रय को पाठ ठाकुर गोपाल लाल प्रभु के सन्मुख आप कर सको हो, ये हमारी आज्ञा है आपको। पाठ जप और पाठ दो ही तो क्रम बताए हैं, एक तो जप करनो तुलसी की माला में मनका पे हाथ रख के अनामिका के साथ वाकु कहे नेत्र बन के जप कहे वाकु, और पुस्तक हाथ में लेके अपन जब बोले वाकु कहे हो जाए पाठ, तो वो पाठ और जप दोनों को नियम वैष्णव को बनाना चाहिए और ठाकुर जी की सेवा करा करके सेवा भी करनी चाहिए। विशेष आपको समय ज़्यादा न लेते भय, पुनः हमारे दोनों युवा आचार्य इनको खूब खूब भरुष आशीर्वाद दे हैं कि वो अपने कार्य में देश और विदेश में धर्म को प्रचार करते रहें और ऐसे ही भवन के निर्माण करते रहें, और विशेष करके आप सब वैष्णव
आपके अंदर भक्ति भाव, सेवा भाव, स्नेह भाव, समर्पण को भाव दिन प्रतिदिन वृद्धिगत होते रहे, ऐसे श्री महाप्रभु जी और श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज के युगल चरणारविंद में विनती करी के मेरे वाक पुष्पन को समर्पित करूँ।